हेलो। अरे राजू भाई कहाँ हो? अरे दिख नहीं रहा, मैं नहा रहा हूँ। अरे टीवी पे नहा रहे हो क्या? तो मुझे दिखेगा। वेंकटेश, वरुण तेज और तमन्ना भाटिया की फिल्म इफ 3 देखने से पहले यह जाने फिल्म के बारे में और साथ ही जाने कहां देखे इसे फ्री में। इफ 2 समय समय पर उत्कृष्ट मनोरंजनकर्ता बन गया। वेंकटेश और वरुण तेज ने अपने प्रदर्शन से सदन में धूम मचा दी और उन्हें पूरी टीम में सर्वश्रेष्ठ समर्थन मिला। इसे मनोरंजन से भरी फ्रेंचाइजी बनाते हुए टीम उसे और अधिक मजेदार बताते हुए एफ 3 लेकर आए। अनिल रविपुड़ी एफ 3 की पूरी टीम के साथ एफ 3 के साथ दर्शकों का कई बार मनोरंजन करने के लिए आश्वस्त है। आरटीओ कार्यालय में ब्रोकर विंग की मध्यम वर्गीय परेशानियों से जूझता है और शॉर्टकट तरीके से अमीर बनना चाहता है। वरुण एक छोटा मोटा धोखेबाज भी वेंकी की तरह अमीर बनने की तरीके खोजने की कोशिश करता है। हरिका और हनी परिवार से बड़े पैसे के लिए वेंकी और वरुण को फंसाया और ये सभी एक ही स्थिति में पहुंच गए जहां उससे उबरने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत थी। अनजाने में उन सभी को आनंद प्रसाद को धोखा देकर तुरंत करोड़पति बनने का एक ही विचार मिलता है, जो अपने लापता बेटे की तलाश में है। क्या वो आनंद प्रसाद को झांसा देने में सक्षम थे? एफ 3 की कहानी प्रश्न का उत्तर देती है। कॉमेडी में वेंकटेश की टाइमिंग और एक्सप्रेशन का एक अलग फैन बेस है। वेंकी ने अपने प्रदर्शन से पूरे शो को चुरा लिया है। वो सिर्फ हाव-भाव से नजरें अपनी ओर घुमा लेता है, भले ही उसी फ्रेम में 10 अन्य जाने माने कलाकार भी हो। एफ 3 में भी वरुण तेज ने बेहतरीन काम किया है। युवा अभिनेता को हर बार हकलाना पड़ता है, हर बार वो जो नया अभिनय करता है वो हमेशा मजेदार होता है। वरुण और वेंकी की जोड़ी मजेदार है। तमन्ना और महरीन ने अपनी भूमिका निभाई है, लेकिन ये एफ 2 की तरह उतनी ग्लैमरस नहीं दिखी और दूसरे हाफ में उनकी उपस्थिति कमजोर है। उनकी भूमिकाएं पहले भाग के बिस्तर की तरह है और ये वेंकी और वरुण तेज द्वारा स्क्रीन पर हावी हो जाती है। ये सुनील के लिए कमबैक रोल होगा और वो लंबे समय के बाद अपने विंटेज लुक और डायलॉग मॉड्यूलेशन में नजर आ रहे हैं। रघु बाबू, अली, विनिल्ला किशोर, राजेंद्र प्रसाद, प्रगति, मुरली शर्मा, सत्या और संपत राज ने अपने अपनी भूमिकाओं में अच्छा प्रदर्शन किया है। एफ 3 की कहानी कोई नई कहानी नहीं है, सिवाय इसके कि कॉमेडी मौजूदा चलन के हिसाब से लिखी गई है।
बहुत अधिक तर्क और गुनाहों के साथ F3 में कुछ मनोरम कॉमेडी दृश्य के साथ एक सामान्य कहानी है। अनिल रविपुड़ी के हास्य लेखन कौशल को विशेष उल्लेख की आवश्यकता है। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो ये फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। वेंकटेश डग्गुबती और वरुण तेज की फिल्म फन एंड फ्रस्ट्रेशन 3 देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू और साथ ही जाने कहा देखे इसे फ्री में। हरिका और हनी द्वारा रची गई साजिशों के कारण लाखों रुपए खोने के बाद वेंकी और वरुण यादव गंभीर संकट में हैं। दीवार से धक्का देकर वेंकी और वरुण एक दूसरे की जानकारी के बिना एक अमीर आदमी को धोखा देने की कोशिश करते हैं। कम से कम ये जानते हैं कि चलाक बहनें हरिका और हनी भी कार्रवाई में हैं। जब चारों पात्रों एक ही छत के नीचे आ जाते हैं तो ये अधिक मनोरंजन और हताशा का समय होता है। F3 F2 का सीक्वल नहीं है। वेंकी और वरुण यादव कोई सावाई नहीं है। दोनों अविवाहित है। वेंकी, जिसकी जैविक माँ अब नहीं रही, अपनी सौतेली माँ पिता और बहनों वाले एक मांगलिक स्वार्थी परिवार का खामियाजा भुगतना पड़ता है। दूसरी ओर हरिका और हनी बहने बनी हुई है। उन्होंने एक छोटी सी कैंटीन की व्यवस्था कर ली है जो निवेश तो हड़प लेती है लेकिन कभी रिटर्न नहीं देती। ये किसी भी तरह से अमीर बनना चाहते हैं। निर्देशक अनिल रविपुड़ी पहले 30 से 40 मिनट कहानी को सेट करने में लगाते हैं। वो ये सुनिश्चित करता है कि हम उसके नायकों की सोच को आत्मसात कर ले। देजा भूख की भावना के बावजूद कॉमेडी आपकी नसों पर हावी नहीं होती है। वरुण तेज सुनील की जोड़ी और महरीन के बीच कॉमेडी ट्रैक एक मूल विचार नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ पंक्तियां प्रफुल्लित करने वाली है। वेंकटेश और रघुबाबू के बीच F2 स्तर की केमिस्ट्री बनी हुई है। उनके दृश्य वास्तव में अच्छा काम करते हैं। हम अन्य प्रमुख पात्र की तुलना में रघुबाबू की उपस्थिति में वेंकटेश के प्रदर्शन का अधिक आनंद लेते हैं। कथानक में बदलाव के बावजूद दूसरा भाग अपेक्षाकृत धीमी गति से आगे बढ़ता है। मुरली शर्मा के किरदार को एक सार्थक भूमिका निभाने का मौका मिलता है। उनका किरदार भले ही नया ना हो लेकिन उनकी मौजूदगी कथानक की घटनाओं में फर्क लाती है। अगर बेनेला किशोर अली सुनील और श्रीनिवास रेड्डी को दी आयामी किरदार निभाने को मिलते तो इससे काफी मदद मिलती। एक बिंदु के बाद अली को कोहनी मार दी जाती है जबकि सुनील व्यंग्यमय तक अभिव्यक्ति में सिमट जाते हैं। श्रीनिवास रेड्डी दूसरी भूमिका निभाते हैं जबकि किशोर की क्षमता का बिल्कुल भी पता नहीं लगाया गया है। राजेंद्र प्रसाद एक ईमानदार पुलिस वाले की भूमिका निभाते हैं जबकि संपत राज उनके बेईमान बॉस है। सोना चौहान को ज्यादा कुछ जोड़ने को नहीं मिलता है। देवी श्री प्रसाद का संगीत क्लिक करता है। मुख्य कलाकारों और पूजा हेगड़े द्वारा संचालित लाइव फंटे इटला अंदाला कोरियोग्राफी के मामले में सर्वश्रेष्ठ है। अन्य दो प्रमुख गीत क्लाइमैक्स खंड की तरह लगते हैं जहां फिल्म की प्रकृति को हल्का करने के लिए कुछ तत्वों को जबरन लिखा जाता है। F3 F2 की तुलना में काम तारा केंद्रित है। अनिल रविपुड़ी के दृढ़ विश्वास की उस हद तक सराहना की जानी चाहिए। वो सिनेमाटोग्राफी और अन्य बेसखियों पर ज्यादा भरोसा नहीं करते। वो बात करने दौराने चीखने चिल्लाने के लिए कई पात्रों का परिचय देता है। प्रदर्शन एक आकर्षण है, विशेष रूप से वेंकटेश की कॉमेडी के क्षेत्र में वापसी के साथ। ऐसा लगता है कि वरुण तेज और महरीन की जगह कई किरदारों ने खा ली है। दूसरे भाग में तमन्ना का किरदार एक नया रंग दिखाता है। F3 एक देखने योग्य कॉमेडी है जो अपने विलक्षण तत्वों को त्याग के साथ शामिल करती है। क्लाइमैक्स से पहले के हिस्से थोड़ी देर के लिए गंभीर हो जाते हैं। सक्षम प्रदर्शन और मजेदार परिस्थितियां चर्चा का विषय बनती है। वही अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है।
तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। वेंकटेश, वरुण तेज और तमन्ना भाटिया की फिल्म इफ 3 देखने से पहले यह जाने फिल्म के बारे में और साथ ही जाने कहां देखे इसे फ्री में। इफ 2 समय समय पर उत्कृष्ट मनोरंजनकर्ता बन गया। वेंकटेश और वरुण तेज ने अपने प्रदर्शन से सदन में धूम मचा दी और उन्हें पूरी टीम में सर्वश्रेष्ठ समर्थन मिला। इसे मनोरंजन से भरी फ्रेंचाइजी बनाते हुए टीम उसे और अधिक मजेदार बताते हुए इफ 3 लेकर आए। अनिल रविपुड़ी इफ 3 की पूरी टीम के साथ इफ 3 के साथ दर्शकों का कई बार मनोरंजन करने के लिए आश्वस्त है। आरटीओ कार्यालय में ब्रोकर विंग की मध्यम वर्गीय परेशानियों से जूझता है और शॉर्टकट तरीके से अमीर बनना चाहता है। वरुण एक छोटा मोटा धोखेबाज भी वेंकी की तरह अमीर बनने की तरीके खोजने की कोशिश करता है। हरिका और हनी परिवार से बड़े पैसे के लिए वेंकी और वरुण को फंसाया और ये सभी एक ही स्थिति में पहुंच गए जहां उससे उबरने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत थी। अनजाने में उन सभी को आनंद प्रसाद को धोखा देकर तुरंत करोड़पति बनने का एक ही विचार मिलता है जो अपने लापता बेटे की तलाश में है। क्या वो आनंद प्रसाद को झांसा देने में सक्षम थे? इफ 3 की कहानी प्रश्न का उत्तर देती है। कॉमेडी में वेंकटेश की टाइमिंग और एक्सप्रेशन का एक अलग फैन बेस है। वेंकी ने अपने प्रदर्शन से पूरे शो को चुरा लिया है। वो सिर्फ हाव भाव से नजरे अपनी ओर घुमा लेता है भले ही उसी फ्रेम में 10 अन्य जाने माने कलाकार भी हो। इफ 3 में भी वरुण तेज ने बेहतरीन काम किया है। युवा अभिनेता को हर बार हकलाना पड़ता है। हर बार वो जो नया अभिनय करता है वो हमेशा मजेदार होता है। वरुण और वेंकी की जोड़ी मजेदार है। तमन्ना और महरीन ने अपनी भूमिका निभाई है लेकिन ये इफ 2 की तरह उतनी ग्लैमरस नहीं दिखी और दूसरे हाफ में उनकी उपस्थिति कमजोर है। उनकी भूमिकाएं पहले भाग के बिस्तर की तरह है और ये वेंकी और वरुण तेज द्वारा स्क्रीन पर हावी हो जाती है। ये सुनील के लिए कमबैक रोल होगा और वो लंबे समय के बाद अपने विंटेज लुक और डायलॉग मॉड्यूलेशन में नजर आ रहे हैं। रघु बाबू, अली, वेनिल्ला किशोर, राजेंद्र प्रसाद, प्रगति, मुरली शर्मा, सत्या और संपत राज ने अपने अपनी भूमिकाओं में अच्छा प्रदर्शन किया है। इफ 3 की कहानी कोई नई कहानी नहीं है सिवाय इसके कि कॉमेडी मौजूदा चलन के हिसाब से लिखी गई है। बहुत अधिक तर्क और गुनाहों के साथ इफ 3 में कुछ मनोरम कॉमेडी दृश्य के साथ एक सामान्य कहानी है। अनिल रविपुड़ी के हास्य लेखन कौशल को विशेष उल्लेख की आवश्यकता है। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर तो ये फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। वेंकटेश डग्गुबती और वरुण तेज की फिल्म फन एंड फ्रस्ट्रेशन 3 देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू और साथ ही जाने कहा देखे इसे फ्री में। हरिका और हनी द्वारा रची गई साजिशों के कारण लाखों रुपए खोने के बाद वेंकी और वरुण यादव गंभीर संकट में हैं। दीवार से धक्का देकर वेंकी और वरुण एक दूसरे की जानकारी के बिना एक अमीर आदमी को धोखा देने की कोशिश करते हैं। कम से कम ये जानते हैं कि चलाक बहने हरिका और हनी भी कार्रवाई में है। जब चारों पात्रों एक ही छत के नीचे आ जाते हैं तो ये अधिक मनोरंजन और हताशा का समय होता है। F3 F2 का सीक्वल नहीं है। वेंकी और वरुण यादव कोई सा भाई नहीं है। दोनों अविवाहित है। वेंकी जिसकी जैविक माँ अब नहीं रही अपनी सौतेली माँ पिता और बहनों वाले एक मांगलिक स्वार्थी परिवार का खामियाजा भुगतना पड़ता है। दूसरी ओर हरिका और हनी बहने बनी हुई है। उन्होंने एक छोटी सी कैंटीन की व्यवस्था कर ली है जो निवेश तो हड़प लेती है लेकिन कभी रिटर्न नहीं देती। ये किसी भी तरह से अमीर बनना चाहते हैं। निर्देशक अनिल रविपुड़ी पहले 30 से 40 मिनट कहानी को सेट करने में लगाते हैं। वो ये सुनिश्चित करता है कि हम उसके नायकों की सोच को आत्मसात कर ले। देजाबू की भावना के बावजूद कॉमेडी आपकी नसों पर हावी नहीं होती है।
वरुण तेज सुनील की जोड़ी और महरीन के बीच कॉमेडी ट्रैक एक मूल विचार नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ पंक्तियां प्रफुल्लित करने वाली है। वेंकटेश और रघुबाबू के बीच एफ टू स्तर की केमिस्ट्री बनी हुई है। उनके दृश्य वास्तव में अच्छा काम करते हैं। हम अन्य प्रमुख पात्र की तुलना में रघुबाबू की उपस्थिति में वेंकटेश के प्रदर्शन का अधिक आनंद लेते हैं। कथानक में बदलाव के बावजूद दूसरा भाग अपेक्षाकृत धीमी गति से आगे बढ़ता है। मुरली शर्मा के किरदार को एक सार्थक भूमिका निभाने का मौका मिलता है। उनका किरदार भले ही नया ना हो, लेकिन उनकी मौजूदगी कथानक की घटनाओं में फर्क लाती है। अगर बेनेला किशोर अली, सुनील और श्रीनिवास रेड्डी को दी आयामी किरदार निभाने को मिलते तो इससे काफी मदद मिलती। एक बिंदु के बाद अली को कोहनी मार दी जाती है, जबकि सुनील वैंगमत तक अभिव्यक्ति में सिमट जाते हैं। श्रीनिवास रेड्डी दूसरी भूमिका निभाते हैं, जबकि किशोर की क्षमता का बिल्कुल भी पता नहीं लगाया गया है। राजेंद्र प्रसाद एक ईमानदार पुलिस वाले की भूमिका निभाते हैं, जबकि संपत राज उनके बेईमान बॉस है। सोना चौहान को ज्यादा कुछ जोड़ने को नहीं मिलता है। देवी श्री प्रसाद का संगीत क्लिक करता है। मुख्य कलाकारों और पूजा हेगड़े द्वारा संचालित लाइव फंटे इटला अंदाला कोरियोग्राफी के मामले में सर्वश्रेष्ठ है। अन्य दो प्रमुख गीत क्लाइमैक्स खंड की तरह लगते हैं, जहां फिल्म की प्रकृति को हल्का करने के लिए कुछ तत्वों को जबरन लिखा जाता है। F3 F2 की तुलना में काम तारा केंद्रित है। अनिल रविपुड़िस के दृढ़ विश्वास की उस हद तक सराहना की जानी चाहिए। वो सिनेमाटोग्राफी और अन्य बेसखियों पर ज्यादा भरोसा नहीं करते। वो बात करने दौराने चीखने चिल्लाने के लिए कई पात्रों का परिचय देता है। प्रदर्शन एक आकर्षण है, विशेष रूप से वेंकटेश की कॉमेडी के क्षेत्र में वापसी के साथ। ऐसा लगता है कि वरुण तेज और महरीन की जगह कई किरदारों ने खा ली है। दूसरे भाग में तमन्ना का किरदार एक नया रंग दिखाता है। F3 एक देखने योग्य कॉमेडी है, जो अपने विलक्षण तत्वों को त्याग के साथ शामिल करती है। क्लाइमैक्स से पहले के हिस्से थोड़ी देर के लिए गंभीर हो जाते हैं। सक्षम प्रदर्शन और मजेदार परिस्थितियां चर्चा का विषय बनती है। वही अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। वेंकटेश, वरुण तेज और तमन्ना भाटिया की फिल्म F3 देखने से पहले यह जाने फिल्म के बारे में और साथ ही जाने कहां देखें इसे फ्री में। F2 समय समय पर उत्कृष्ट मनोरंजन करता बन गया। वेंकटेश और वरुण तेज ने अपने प्रदर्शन से सदन में धूम मचा दी और उन्हें पूरी टीम में सर्वश्रेष्ठ समर्थन मिला। इसे मनोरंजन से भरी फ्रेंचाइजी बनाते हुए टीम उसे और अधिक मजेदार बताते हुए F3 लेकर आए। अनिल रविपुड़ी F3 की पूरी टीम के साथ F3 के साथ दर्शकों का कई बार मनोरंजन करने के लिए आश्वस्त है। RTO कार्यालय में ब्रोकर विंग की मध्यम वर्गीय परेशानियों से जूझता है और शॉर्टकट तरीके से अमीर बनना चाहता है। वरुण एक छोटा मोटा धोखेबाज भी वेंकी की तरह अमीर बनने की तरीके खोजने की कोशिश करता है। हरिका और हनी परिवार से बड़े पैसे के लिए वेंकी और वरुण को फंसाया और ये सभी एक ही स्थिति में पहुंच गए, जहां उससे उबरने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत थी। अनजाने में उन सभी को आनंद प्रसाद को धोखा देकर तुरंत करोड़पति बनने का एक ही विचार मिलता है, जो अपने लापता बेटे की तलाश में है। क्या वो आनंद प्रसाद को झांसा देने में सक्षम थे? F3 की कहानी प्रश्न का उत्तर देती है। कॉमेडी में वेंकटेश की टाइमिंग और एक्सप्रेशन का एक अलग फैन बेस है। वेंकी ने अपने प्रदर्शन से पूरे शो को चुरा लिया है। वो सिर्फ हाव-भाव से नजरें अपनी ओर घुमा लेता है, भले ही उसी फ्रेम में 10 अन्य जाने माने कलाकार भी हो। F3 में भी वरुण तेज ने बेहतरीन काम किया है। युवा अभिनेता को हर बार हकलाना पड़ता है। हर बार वो जो नया अभिनय करता है वो हमेशा मजेदार होता है। वरुण और वेंकी की जोड़ी मजेदार है। तमन्ना और महरीन ने अपनी भूमिका निभाई है।
लेकिन ये इफ टू की तरह उतनी ग्लैमरस नहीं दिखी और दूसरे हाफ में उनकी उपस्थिति कमजोर है। उनकी भूमिकाएं पहले भाग के बिस्तर की तरह है और ये वेंकी और वरुण तेज द्वारा स्क्रीन पर हावी हो जाती है। ये सुनील के लिए कमबैक रोल होगा और वो लंबे समय के बाद अपने विंटेज लुक और डायलॉग मॉड्यूलेशन में नजर आ रहे हैं। रघु बाबू, अली, विनिल्ला किशोर, राजेंद्र प्रसाद, प्रगति, मुरली शर्मा, सत्या और संपत राज ने अपने अपनी भूमिकाओं में अच्छा प्रदर्शन किया है। F3 की कहानी कोई नई कहानी नहीं है, सिवाय इसके कि कॉमेडी मौजूदा चलन के हिसाब से लिखी गई है। बहुत अधिक तर्क और गुनाहों के साथ F3 में कुछ मनोरम कॉमेडी दृश्य के साथ एक सामान्य कहानी है। अनिल रविपुड़ी के हास्य लेखन कौशल को विशेष उल्लेख की आवश्यकता है। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो ये फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। वेंकटेश डग्गुबती और वरुण तेज की फिल्म फन एंड फ्रस्ट्रेशन 3 देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू और साथ ही जाने कहा देखे इसे फ्री में। हरिका और हनी द्वारा रची गई साजिशों के कारण लाखों रुपए खोने के बाद वेंकी और वरुण यादव गंभीर संकट में हैं। दीवार से धक्का देकर वेंकी और वरुण एक दूसरे की जानकारी के बिना एक अमीर आदमी को धोखा देने की कोशिश करते हैं। कम से कम ये जानते हैं कि चालाक बहने हरिका और हनी भी कार्रवाई में है। जब चारों पात्रों एक ही छत के नीचे आ जाते हैं तो ये अधिक मनोरंजन और हताशा का समय होता है। F3 F2 का सीक्वल नहीं है। वेंकी और वरुण यादव कोई साहभाई नहीं है। दोनों अविवाहित है। वेंकी, जिसकी जैविक माँ अब नहीं रही, अपनी सौतेली माँ, पिता और बहनों वाले एक मांगलिक स्वार्थी परिवार का खामियाजा भुगतना पड़ता है। दूसरी ओर हरिका और हनी बहने बनी हुई है। उन्होंने एक छोटी सी कैंटीन की व्यवस्था कर ली है जो निवेश तो हड़प लेती है लेकिन कभी रिटर्न नहीं देती। ये किसी भी तरह से अमीर बनना चाहते हैं। निर्देशक अनिल रविपुड़ी पहले 30 से 40 मिनट कहानी को सेट करने में लगाते हैं। वो ये सुनिश्चित करता है कि हम उसके नायकों की सोच को आत्मसात कर ले। देजा भूख की भावना के बावजूद कॉमेडी आपकी नसों पर हावी नहीं होती है। वरुण तेज, सुनील की जोड़ी और महरीन के बीच कॉमेडी ट्रैक एक मूल विचार नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ पंक्तियां प्रफुल्लित करने वाली है। वेंकटेश और रघु बाबू के बीच F2 स्तर की केमिस्ट्री बनी हुई है। उनके दृश्य वास्तव में अच्छा काम करते हैं। हम अन्य प्रमुख पात्र की तुलना में रघु बाबू की उपस्थिति में वेंकटेश के प्रदर्शन का अधिक आनंद लेते हैं। कथानक में बदलाव के बावजूद दूसरा भाग अपेक्षाकृत धीमी गति से आगे बढ़ता है। मुरली शर्मा के किरदार को एक सार्थक भूमिका निभाने का मौका मिलता है। उनका किरदार भले ही नया ना हो लेकिन उनकी मौजूदगी कथानक की घटनाओं में फर्क लाती है। अगर बेनेला किशोर, अली, सुनील और श्रीनिवास रेड्डी को दी आयामी किरदार निभाने को मिलते तो इससे काफी मदद मिलती। एक बिंदु के बाद अली को कोहनी मार दी जाती है जबकि सुनील वैंगमत तक अभिव्यक्ति में सिमट जाते हैं। श्रीनिवास रेड्डी दूसरी भूमिका निभाते हैं जबकि किशोर की क्षमता का बिल्कुल भी पता नहीं लगाया गया है। राजेंद्र प्रसाद एक ईमानदार पुलिस वाले की भूमिका निभाते हैं जबकि संपत राज उनके बेईमान बॉस है। सोना चौहान को ज्यादा कुछ जोड़ने को नहीं मिलता है। देवी श्री प्रसाद का संगीत क्लिक करता है। मुख्य कलाकारों और पूजा हेगड़े द्वारा संचालित लाइव फंटे इटला अंदाला कोरियोग्राफी के मामले में सर्वश्रेष्ठ है। अन्य दो प्रमुख गीत क्लाइमैक्स खंड की तरह लगते हैं जहां फिल्म की प्रकृति को हल्का करने के लिए कुछ तत्वों को जबरन लिखा जाता है। F3 F2 की तुलना में काम तारा केंद्रित है। अनिल रविपुड़ी के दृढ़ विश्वास की उस हद तक सराहना की जानी चाहिए। वो सिनेमाटोग्राफी और अन्य बेसखियों पर ज्यादा भरोसा नहीं करते। वो बात करने दौराने चीखने चिल्लाने के लिए कई पात्रों का परिचय देता है
प्रदर्शन एक आकर्षण है, विशेष रूप से वेंकटेश की कॉमेडी के क्षेत्र में वापसी के साथ। ऐसा लगता है कि वरुण तेज और महरीन की जगह कई किरदारों ने खा ली है। दूसरे भाग में तमन्ना का किरदार एक नया रंग दिखाता है। एप थ्री एक देखने योग्य कॉमेडी है जो अपने विलक्षण तत्वों को त्याग के साथ शामिल करती है। क्लाइमैक्स से पहले के हिस्से थोड़ी देर के लिए गंभीर हो जाते हैं। सक्षम प्रदर्शन और मजेदार परिस्थितियां चर्चा का विषय बनती है। वही अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। वेंकटेश, वरुण तेज और तमन्ना भाटिया की फिल्म इफ थ्री देखने से पहले यह जाने फिल्म के बारे में और साथ ही जाने कहां देखे इसे फ्री में। इफ टू समय समय पर उत्कृष्ट मनोरंजनकर्ता बन गया। वेंकटेश और वरुण तेज ने अपने प्रदर्शन से सदन में धूम मचा दी और उन्हें पूरी टीम में सर्वश्रेष्ठ समर्थन मिला। इसे मनोरंजन से भरी फ्रेंचाइजी बनाते हुए टीम उसे और अधिक मजेदार बताते हुए एफ थ्री लेकर आए। अनिल रविपुड़ी एफ थ्री की पूरी टीम के साथ एफ थ्री के साथ दर्शकों का कई बार मनोरंजन करने के लिए आश्वस्त है। आरटीओ कार्यालय में ब्रोकर वेंकी मध्यम वर्गीय परेशानियों से जूझता है और शॉर्टकट तरीके से अमीर बनना चाहता है। वरुण एक छोटा मोटा धोखेबाज भी वेंकी की तरह अमीर बनने की तरीके खोजने की कोशिश करता है। हरिका और हनी परिवार से बड़े पैसे के लिए वेंकी और वरुण को फंसाया और ये सभी एक ही स्थिति में पहुंच गए जहां उससे उबरने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत थी। अनजाने में उन सभी को आनंद प्रसाद को धोखा देकर तुरंत करोड़पति बनने का एक ही विचार मिलता है जो अपने लापता बेटे की तलाश में है। क्या वो आनंद प्रसाद को झांसा देने में सक्षम थे? एफ थ्री की कहानी प्रश्न का उत्तर देती है। कॉमेडी में वेंकटेश की टाइमिंग और एक्सप्रेशन का एक अलग फैन बेस है। वेंकी ने अपने प्रदर्शन से पूरे शो को चुरा लिया है। वो सिर्फ हाव-भाव से नजरें अपनी ओर घुमा लेता है, भले ही उसी फ्रेम में 10 अन्य जाने माने कलाकार भी हो। एफ थ्री में भी वरुण तेज ने बेहतरीन काम किया है। युवा अभिनेता को हर बार हकलाना पड़ता है, हर बार वो जो नया अभिनय करता है वो हमेशा मजेदार होता है। वरुण और वेंकी की जोड़ी मजेदार है। तमन्ना और महरीन ने अपनी भूमिका निभाई है लेकिन ये एफ टू की तरह उतनी ग्लैमरस नहीं दिखी और दूसरे हाफ में उनकी उपस्थिति कमजोर है। उनकी भूमिकाएं पहले भाग के बिस्तर की तरह है और ये वेंकी और वरुण तेज द्वारा स्क्रीन पर हावी हो जाती है। ये सुनील के लिए कमबैक रोल होगा और वो लंबे समय के बाद अपने विंटेज लुक और डायलॉग मॉड्यूलेशन में नजर आ रहे हैं। रघु बाबू, अली, विनिल्ला किशोर, राजेंद्र प्रसाद, प्रगति, मुरली शर्मा, सत्या और संपत राज ने अपने अपनी भूमिकाओं में अच्छा प्रदर्शन किया है। एफ थ्री की कहानी कोई नई कहानी नहीं है सिवाय इसके कि कॉमेडी मौजूदा चलन के हिसाब से लिखी गई है। बहुत अधिक तर्क और गुनाहों के साथ एफ थ्री में कुछ मनोरम कॉमेडी दृश्य के साथ एक सामान्य कहानी है। अनिल रविपुड़ी के हास्य लेखन कौशल को विशेष उल्लेख की आवश्यकता है। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो ये फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। वेंकटेश डग्गुबती और वरुण तेज की फिल्म फन एंड फ्रस्ट्रेशन 3 देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू और साथ ही जाने कहा देखे इसे फ्री में। हरिका और हनी द्वारा रची गई साजिशों के कारण लाखों रुपए खोने के बाद वेंकी और वरुण यादव गंभीर संकट में हैं। दीवार से धक्का देकर वेंकी और वरुण एक दूसरे की जानकारी के बिना एक अमीर आदमी को धोखा देने की कोशिश करते हैं। कम से कम ये जानते हैं कि चालाक बहने हरिका और हनी भी कार्रवाई में है। जब चारों पात्रों एक ही छत के नीचे आ जाते हैं तो ये अधिक मनोरंजन और हताशा का समय होता है। एफ थ्री एफ टू का सीक्वल नहीं है। वेंकी और वरुण यादव कोई साहभाई नहीं है। दोनों अविवाहित है। वेंकी, जिसकी जैविक माँ अब नहीं रही, अपनी सौतेली माँ पिता और बहनों वाले एक मांगलिक स्वार्थी परिवार का खामियाजा भुगतना पड़ता है।
दूसरी ओर हरिका और हनी बहने बनी हुई है। उन्होंने एक छोटी सी कैंटीन की व्यवस्था कर ली है जो निवेश तो हड़प लेती है लेकिन कभी रिटर्न नहीं देती। ये किसी भी तरह से अमीर बनना चाहते हैं। निर्देशक अनिल रबिपूडी पहले 30 से 40 मिनट कहानी को सेट करने में लगाते हैं। वो ये सुनिश्चित करता है कि हम उसके नायकों की सोच को आत्मसात कर ले। डेजाबू की भावना के बावजूद कॉमेडी आपकी नसों पर हावी नहीं होती है। वरुण तेज सुनील की जोड़ी और महरीन के बीच कॉमेडी ट्रैक एक मूल विचार नहीं हो सकता है लेकिन कुछ पंक्तियां प्रफुल्लित करने वाली है। वेंकटेश और रघुबाबू के बीच F2 स्तर की केमिस्ट्री बनी हुई है। उनके दृश्य वास्तव में अच्छा काम करते हैं। हम अन्य प्रमुख पात्र की तुलना में रघुबाबू की उपस्थिति में वेंकटेश के प्रदर्शन का अधिक आनंद लेते हैं। कथानक में बदलाव के बावजूद दूसरा भाग अपेक्षाकृत धीमी गति से आगे बढ़ता है। मुरली शर्मा के किरदार को एक सार्थक भूमिका निभाने का मौका मिलता है। उनका किरदार भले ही नया ना हो लेकिन उनकी मौजूदगी कथानक की घटनाओं में फर्क लाती है। अगर बेनेला किशोर अली सुनील और श्रीनिवास रेड्डी को दी आयामी किरदार निभाने को मिलते तो इससे काफी मदद मिलती। एक बिंदु के बाद अली को कोहनी मार दी जाती है जबकि सुनील वैंगा मत तक अभिव्यक्ति में सिमट जाते हैं। श्रीनिवास रेड्डी दूसरी भूमिका निभाते हैं जबकि किशोर की क्षमता का बिल्कुल भी पता नहीं लगाया गया है। राजेंद्र प्रसाद एक ईमानदार पुलिस वाले की भूमिका निभाते हैं जबकि संपत राज उनके बेईमान बॉस है। सोना चौहान को ज्यादा कुछ जोड़ने को नहीं मिलता है। देवी श्री प्रसाद का संगीत क्लिक करता है। मुख्य कलाकारों और पूजा हेगड़े द्वारा संचालित लाइव फंटे इटला अंदाला कोरियोग्राफी के मामले में सर्वश्रेष्ठ है। अन्य दो प्रमुख गीत क्लाइमैक्स खंड की तरह लगते हैं जहां फिल्म की प्रकृति को हल्का करने के लिए कुछ तत्वों को जबरन लिखा जाता है। F3 F2 की तुलना में काम तारा केंद्रित है। अनिल रबिपूडी के दृढ़ विश्वास की उस हद तक सराहना की जानी चाहिए। वो सिनेमाटोग्राफी और अन्य बेसखियों पर ज्यादा भरोसा नहीं करते। वो बात करने दौराने चीखने चिल्लाने के लिए कई पात्रों का परिचय देता है। प्रदर्शन एक आकर्षण है विशेष रूप से वेंकटेश की कॉमेडी के क्षेत्र में वापसी के साथ। ऐसा लगता है कि वरुण तेज और महरीन की जगह कई किरदारों ने खा ली है। दूसरे भाग में तमन्ना का किरदार एक नया रंग दिखाता है। F3 एक देखने योग्य कॉमेडी है जो अपने विलक्षण तत्वों को त्याग के साथ शामिल करती है। क्लाइमैक्स से पहले के हिस्से थोड़ी देर के लिए गंभीर हो जाते हैं। सक्षम प्रदर्शन और मजेदार परिस्थितियां चर्चा का विषय बनती है। वही अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। वेंकटेश वरुण तेज और तमन्ना भाटिया की फिल्म F3 देखने से पहले यह जाने फिल्म के बारे में और साथ ही जाने कहां देखे इसे फ्री में। F2 समय समय पर उत्कृष्ट मनोरंजन करता बन गया। वेंकटेश और वरुण तेज ने अपने प्रदर्शन से सदन में धूम मचा दी और उन्हें पूरी टीम में सर्वश्रेष्ठ समर्थन मिला। इसे मनोरंजन से भरी फ्रेंचाइजी बनाते हुए टीम उसे और अधिक मजेदार बताते हुए F3 लेकर आए। अनिल रबिपूडी F3 की पूरी टीम के साथ F3 के साथ दर्शकों का कई बार मनोरंजन करने के लिए आश्वस्त है। RTO कार्यालय में ब्रोकर विंग की मध्यम वर्गीय परेशानियों से जूझता है और शॉर्टकट तरीके से अमीर बनना चाहता है। वरुण एक छोटा मोटा धोखेबाज भी वेंकी की तरह अमीर बनने की तरीके खोजने की कोशिश करता है। हरिका और हनी परिवार से बड़े पैसे के लिए वेंकी और वरुण को फंसाया और ये सभी एक ही स्थिति में पहुंच गए जहां उससे उबरने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत थी। अनजाने में उन सभी को आनंद प्रसाद को धोखा देकर तुरंत करोड़पति बनने का एक ही विचार मिलता है जो अपने लापता बेटे की तलाश में है। क्या वो आनंद प्रसाद को झांसा देने में सक्षम थे?
इफ थ्री की कहानी प्रश्न का उत्तर देती है। कॉमेडी में वेंकटेश की टाइमिंग और एक्सप्रेशन का एक अलग फैन बेस है। वेंकी ने अपने प्रदर्शन से पूरे शो को चुरा लिया है। वो सिर्फ हाव भाव से नजरें अपनी ओर घुमा लेता है, भले ही उसी फ्रेम में 10 अन्य जाने माने कलाकार भी हो। एफ थ्री में भी वरुण तेज ने बेहतरीन काम किया है। युवा अभिनेता को हर बार हकलाना पड़ता है, हर बार वो जो नया अभिनय करता है वो हमेशा मजेदार होता है। वरुण और वेंकी की जोड़ी मजेदार है। तमन्ना और महरीन ने अपनी भूमिका निभाई है, लेकिन ये एफ टू की तरह उतनी ग्लैमरस नहीं दिखी और दूसरे हाफ में उनकी उपस्थिति कमजोर है। उनकी भूमिकाएं पहले भाग के बिस्तर की तरह है और ये वेंकी और वरुण तेज द्वारा स्क्रीन पर हावी हो जाती है। ये सुनील के लिए कमबैक रोल होगा और वो लंबे समय के बाद अपने विंटेज लुक और डायलॉग मॉड्यूलेशन में नजर आ रहे हैं। रघु बाबू, अली, वेनिल्ला किशोर, राजेंद्र प्रसाद, प्रगति, मुरली शर्मा, सत्या और संपत राज ने अपने अपनी भूमिकाओं में अच्छा प्रदर्शन किया है। एफ थ्री की कहानी कोई नई कहानी नहीं है, सिवाय इसके कि कॉमेडी मौजूदा चलन के हिसाब से लिखी गई है। बहुत अधिक तर्क और गुनाहों के साथ एफ थ्री में कुछ मनोरम कॉमेडी दृश्य के साथ एक सामान्य कहानी है। अनिल रविपूड़ी के हास्य लेखन कौशल को विशेष उल्लेख की आवश्यकता है। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो ये फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। वेंकटेश डग्गुबती और वरुण तेज की फिल्म फन एंड फ्रस्ट्रेशन 3 देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू और साथ ही जाने कहा देखे इसे फ्री में। हरिका और हनी द्वारा रची गई साजिशों के कारण लाखों रुपए खोने के बाद वेंकी और वरुण यादव गंभीर संकट में हैं। दीवार से धक्का देकर वेंकी और वरुण एक दूसरे की जानकारी के बिना एक अमीर आदमी को धोखा देने की कोशिश करते हैं। कम से कम ये जानते हैं कि चालाक बहने हरिका और हनी भी कार्रवाई में है। जब चारों पात्रों एक ही छत के नीचे आ जाते हैं तो ये अधिक मनोरंजन और हताशा का समय होता है। F3 F2 का सीक्वल नहीं है। वेंकी और वरुण यादव कोई साह भाई नहीं है। दोनों अविवाहित है। वेंकी, जिसकी जैविक माँ अब नहीं रही, अपनी सौतेली माँ पिता और बहनों वाले एक मांगलिक स्वार्थी परिवार का खामियाजा भुगतना पड़ता है। दूसरी ओर हरिका और हनी बहने बनी हुई है। उन्होंने एक छोटी सी कैंटीन की व्यवस्था कर ली है जो निवेश तो हड़प लेती है लेकिन कभी रिटर्न नहीं देती। ये किसी भी तरह से अमीर बनना चाहते हैं। निर्देशक अनिल रविपूड़ी पहले 30 से 40 मिनट कहानी को सेट करने में लगाते हैं। वो ये सुनिश्चित करता है कि हम उसके नायकों की सोच को आत्मसात कर ले। देजाभू की भावना के बावजूद कॉमेडी आपकी नसों पर हावी नहीं होती है। वरुण तेज, सुनील की जोड़ी और महरीन के बीच कॉमेडी ट्रैक एक मूल विचार नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ पंक्तियां प्रफुल्लित करने वाली है। वेंकटेश और रघु बाबू के बीच F2 स्तर की केमिस्ट्री बनी हुई है। उनके दृश्य वास्तव में अच्छा काम करते हैं। हम अन्य प्रमुख पात्र की तुलना में रघु बाबू की उपस्थिति में वेंकटेश के प्रदर्शन का अधिक आनंद लेते हैं। कथानक में बदलाव के बावजूद दूसरा भाग अपेक्षाकृत धीमी गति से आगे बढ़ता है। मुरली शर्मा के किरदार को एक सार्थक भूमिका निभाने का मौका मिलता है। उनका किरदार भले ही नया ना हो लेकिन उनकी मौजूदगी कथानक की घटनाओं में फर्क लाती है। अगर बेनेला किशोर, अली, सुनील और श्रीनिवास रेड्डी को दी आयामी किरदार निभाने को मिलते तो इससे काफी मदद मिलती। एक बिंदु के बाद अली को कोहनी मार दी जाती है जबकि सुनील वैंगमत तक अभिव्यक्ति में सिमट जाते हैं। श्रीनिवास रेड्डी दूसरी भूमिका निभाते हैं जबकि किशोर की क्षमता का बिल्कुल भी पता नहीं लगाया गया है। राजेंद्र प्रसाद एक ईमानदार पुलिस वाले की भूमिका निभाते हैं जबकि संपत राज उनके बेईमान बॉस है। सोना चौहान को ज्यादा कुछ जोड़ने को नहीं मिलता है। देवी श्री प्रसाद का संगीत क्लिक करता है। मुख्य कलाकारों और पूजा हेगड़े द्वारा संचालित
लाइव फंटे इटला अंदाला कोरियोग्राफी के मामले में सर्वश्रेष्ठ है। अन्य दो प्रमुख गीत क्लाइमैक्स खंड की तरह लगते हैं, जहां फिल्म की प्रकृति को हल्का करने के लिए कुछ तत्वों को जबरन लिखा जाता है। F3 F2 की तुलना में काम तारा केंद्रित है। अनिल रविपुड़ी के दृढ़ विश्वास की उस हद तक सराहना की जानी चाहिए, वो सिनेमाटोग्राफी और अन्य बेसखियों पर ज्यादा भरोसा नहीं करते। वो बात करने दौराने चीखने चिल्लाने के लिए कई पात्रों का परिचय देता है। प्रदर्शन एक आकर्षण है, विशेष रूप से वेंकटेश की कॉमेडी के क्षेत्र में वापसी के साथ। ऐसा लगता है कि वरुण तेज और महरीन की जगह कई किरदारों ने खा ली है। दूसरे भाग में तमन्ना का किरदार एक नया रंग दिखाता है। F3 एक देखने योग्य कॉमेडी है, जो अपने विलक्षण तत्वों को त्याग के साथ शामिल करती है। क्लाइमैक्स से पहले के हिस्से थोड़ी देर के लिए गंभीर हो जाते हैं। सक्षम प्रदर्शन और मजेदार परिस्थितियां चर्चा का विषय बनती है। वही अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। वेंकटेश, वरुण तेज और तमन्ना भाटिया की फिल्म F3 देखने से पहले यह जाने फिल्म के बारे में और साथ ही जाने कहां देखे इसे फ्री में। F2 समय समय पर उत्कृष्ट मनोरंजनकर्ता बन गया। वेंकटेश और वरुण तेज ने अपने प्रदर्शन से सदन में धूम मचा दी और उन्हें पूरी टीम में सर्वश्रेष्ठ समर्थन मिला। इसे मनोरंजन से भरी फ्रेंचाइजी बनाते हुए टीम उसे और अधिक मजेदार बताते हुए F3 लेकर आए। अनिल रविपुड़ी F3 की पूरी टीम के साथ F3 के साथ दर्शकों का कई बार मनोरंजन करने के लिए आश्वस्त है। RTO कार्यालय में ब्रोकर विंग की मध्यम वर्गीय परेशानियों से जूझता है और शॉर्टकट तरीके से अमीर बनना चाहता है। वरुण एक छोटा मोटा धोखेबाज भी वेंकी की तरह अमीर बनने की तरीके खोजने की कोशिश करता है। हरिका और हनी परिवार से बड़े पैसे के लिए वेंकी और वरुण को फंसाया और ये सभी एक ही स्थिति में पहुंच गए, जहां उससे उबरने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत थी। अनजाने में उन सभी को आनंद प्रसाद को धोखा देकर तुरंत करोड़पति बनने का एक ही विचार मिलता है, जो अपने लापता बेटे की तलाश में है। क्या वो आनंद प्रसाद को झांसा देने में सक्षम थे? F3 की कहानी प्रश्न का उत्तर देती है। कॉमेडी में वेंकटेश की टाइमिंग और एक्सप्रेशन का एक अलग फैन बेस है। वेंकी ने अपने प्रदर्शन से पूरे शो को चुरा लिया है। वो सिर्फ हाव-भाव से नजरें अपनी ओर घुमा लेता है, भले ही उसी फ्रेम में 10 अन्य जाने माने कलाकार भी हो। F3 में भी वरुण तेज ने बेहतरीन काम किया है। युवा अभिनेता को हर बार हकलाना पड़ता है, हर बार वो जो नया अभिनय करता है वो हमेशा मजेदार होता है। वरुण और वेंकी की जोड़ी मजेदार है। तमन्ना और महरीन ने अपनी भूमिका निभाई है, लेकिन ये F2 की तरह उतनी ग्लैमरस नहीं दिखी और दूसरे हाफ में उनकी उपस्थिति कमजोर है। उनकी भूमिकाएं पहले भाग के बिस्तर की तरह है और ये वेंकी और वरुण तेज द्वारा स्क्रीन पर हावी हो जाती है। ये सुनील के लिए कमबैक रोल होगा और वो लंबे समय के बाद अपने विंटेज लुक और डायलॉग मॉड्यूलेशन में नजर आ रहे हैं। रघु बाबू, अली, विनिला किशोर, राजेंद्र प्रसाद, प्रगति, मुरली शर्मा, सत्या और संपत राज ने अपने अपनी भूमिकाओं में अच्छा प्रदर्शन किया है। F3 की कहानी कोई नई कहानी नहीं है, सिवाय इसके कि कॉमेडी मौजूदा चलन के हिसाब से लिखी गई है। बहुत अधिक तर्क और गुनाहों के साथ F3 में कुछ मनोरम कॉमेडी दृश्य के साथ एक सामान्य कहानी है। अनिल रविपुड़ी के हास्य लेखन कौशल को विशेष उल्लेख की आवश्यकता है। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो ये फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। वेंकटेश डग्गुबती और वरुण तेज की फिल्म फन एंड फ्रस्ट्रेशन 3 देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू और साथ ही जाने कहा देखे इसे फ्री में। हरिका और हनी द्वारा रची गई साजिशों के कारण लाखों रुपए खोने के बाद वेंकी और वरुण यादव गंभीर संकट में हैं। दीवार से धक्का देकर वेंकी और वरुण एक दूसरे की
जानकारी के बिना एक अमीर आदमी को धोखा देने की कोशिश करते हैं। कम से कम ये जानते हैं कि चालाक बहनें हनी का और हनी भी कार्रवाई में है। जब चारों पात्रों एक ही छत के नीचे आ जाते हैं तो ये अधिक मनोरंजन और हताशा का समय होता है। F3 F2 का सीक्वल नहीं है। वेंकी और वरुण यादव कोई सा भाई नहीं है। दोनों अविवाहित है। वेंकी जिसकी जैविक माँ अब नहीं रही, अपनी सौतेली माँ पिता और बहनों वाले एक मांगलिक स्वार्थी परिवार का खामियाजा भुगतना पड़ता है। दूसरी ओर हरिका और हनी बहने बनी हुई है। उन्होंने एक छोटी सी कैंटीन की व्यवस्था कर ली है जो निवेश तो हड़प लेती है लेकिन कभी रिटर्न नहीं देती। ये किसी भी तरह से अमीर बनना चाहते हैं। निर्देशक अनिल रबपूडी पहले 30 से 40 मिनट कहानी को सेट करने में लगाते हैं। वो ये सुनिश्चित करता है कि हम उसके नायकों की सोच को आत्मसात कर ले। डेजाबू की भावना के बावजूद कॉमेडी आपकी नसों पर हावी नहीं होती है। वरुण तेज सुनील की जोड़ी और महरीन के बीच कॉमेडी ट्रैक एक मूल विचार नहीं हो सकता है लेकिन कुछ पंक्तियां प्रफुल्लित करने वाली है। वेंकटेश और रघुबाबू के बीच F2 स्तर की केमिस्ट्री बनी हुई है। उनके दृश्य वास्तव में अच्छा काम करते हैं। हम अन्य प्रमुख पात्र की तुलना में रघुबाबू की उपस्थिति में वेंकटेश के प्रदर्शन का अधिक आनंद लेते हैं। कथानक में बदलाव के बावजूद दूसरा भाग अपेक्षाकृत धीमी गति से आगे बढ़ता है। मुरली शर्मा के किरदार को एक सार्थक भूमिका निभाने का मौका मिलता है। उनका किरदार भले ही नया ना हो लेकिन उनकी मौजूदगी कथानक की घटनाओं में फर्क लाती है। अगर बेनेला किशोर अली सुनील और श्रीनिवास रेड्डी को दी आयामी किरदार निभाने को मिलते तो इससे काफी मदद मिलती। एक बिंदु के बाद अली को कोहनी मार दी जाती है जबकि सुनील वैंगा मत तक अभिव्यक्ति में सिमट जाते हैं। श्रीनिवास रेड्डी दूसरी भूमिका निभाते हैं जबकि किशोर की क्षमता का बिल्कुल भी पता नहीं लगाया गया है। राजेंद्र प्रसाद एक ईमानदार पुलिस वाले की भूमिका निभाते हैं जबकि संपत राज उनके बेईमान बॉस है। सोना चौहान को ज्यादा कुछ जोड़ने को नहीं मिलता है। देवी श्री प्रसाद का संगीत क्लिक करता है। मुख्य कलाकारों और पूजा हेगड़े द्वारा संचालित लाइव फंटे इटला अंदाला कोरियोग्राफी के मामले में सर्वश्रेष्ठ है। अन्य दो प्रमुख गीत क्लाइमैक्स खंड की तरह लगते हैं जहां फिल्म की प्रकृति को हल्का करने के लिए कुछ तत्वों को जबरन लिखा जाता है। F3 F2 की तुलना में काम तारा केंद्रित है। अनिल रबिपुडिस के दृढ़ विश्वास की उस हद तक सराहना की जानी चाहिए। वो सिनेमाटोग्राफी और अन्य बेसखियों पर ज्यादा भरोसा नहीं करते। वो बात करने दौराने चीखने चिल्लाने के लिए कई पात्रों का परिचय देता है। प्रदर्शन एक आकर्षण है विशेष रूप से वेंकटेश की कॉमेडी के क्षेत्र में वापसी के साथ। ऐसा लगता है कि वरुण तेज और महरीन की जगह कई किरदारों ने खा ली है। दूसरे भाग में तमन्ना का किरदार एक नया रंग दिखाता है। F3 एक देखने योग्य कॉमेडी है जो अपने विलक्षण तत्वों को त्याग के साथ शामिल करती है। क्लाइमैक्स से पहले के हिस्से थोड़ी देर के लिए गंभीर हो जाते हैं। सक्षम प्रदर्शन और मजेदार परिस्थितियां चर्चा का विषय बनती है। वही अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। वेंकटेश वरुण तेज और तमन्ना भाटिया की फिल्म F3 देखने से पहले यह जाने फिल्म के बारे में और साथ ही जाने कहां देखे इसे फ्री में। F2 समय समय पर उत्कृष्ट मनोरंजनकर्ता बन गया। वेंकटेश और वरुण तेज ने अपने प्रदर्शन से सदन में धूम मचा दी और उन्हें पूरी टीम में सर्वश्रेष्ठ समर्थन मिला। इसे मनोरंजन से भरी फ्रेंचाइजी बनाते हुए टीम उसे और अधिक मजेदार बताते हुए F3 लेकर आए। अनिल रबिपुडी F3 की पूरी टीम के साथ F3 के साथ दर्शकों का कई बार मनोरंजन करने के लिए आश्वस्त है। RTO कार्यालय में
ब्रोकर विंग की मध्यम वर्गीय परेशानियों से जूझता है और शॉर्टकट तरीके से अमीर बनना चाहता है। वरुण एक छोटा मोटा धोखेबाज भी वेंकी की तरह अमीर बनने की तरीके खोजने की कोशिश करता है। हरिका और हनी परिवार से बड़े पैसे के लिए वेंकी और वरुण को फंसाया और ये सभी एक ही स्थिति में पहुंच गए जहां उससे उबरने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत थी। अनजाने में उन सभी को आनंद प्रसाद को धोखा देकर तुरंत करोड़पति बनने का एक ही विचार मिलता है जो अपने लापता बेटे की तलाश में है। क्या वो आनंद प्रसाद को झांसा देने में सक्षम थे? F3 की कहानी प्रश्न का उत्तर देती है। कॉमेडी में वेंकटेश की टाइमिंग और एक्सप्रेशन का एक अलग फैन बेस है। वेंकी ने अपने प्रदर्शन से पूरे शो को चुरा लिया है। वो सिर्फ हाव भाव से नजरे अपनी ओर घुमा लेता है भले ही उसी फ्रेम में 10 अन्य जाने माने कलाकार भी हो। F3 में भी वरुण तेज ने बेहतरीन काम किया है। युवा अभिनेता को हर बार हकलाना पड़ता है। हर बार वो जो नया अभिनय करता है वो हमेशा मजेदार होता है। वरुण और वेंकी की जोड़ी मजेदार है। तमन्ना और महरीन ने अपनी भूमिका निभाई है लेकिन ये F2 की तरह उतनी ग्लैमरस नहीं दिखी और दूसरे हाफ में उनकी उपस्थिति कमजोर है। उनकी भूमिकाएं पहले भाग के बिस्तर की तरह है और ये वेंकी और वरुण तेज द्वारा स्क्रीन पर हावी हो जाती है। ये सुनील के लिए कमबैक रोल होगा और वो लंबे समय के बाद अपने विंटेज लुक और डायलॉग मॉड्यूलेशन में नजर आ रहे हैं। रघु बाबू अली वेनिल्ला किशोर राजेंद्र प्रसाद प्रगति मुरली शर्मा सत्या और संपत राज ने अपने अपनी भूमिकाओं में अच्छा प्रदर्शन किया है। F3 की कहानी कोई नई कहानी नहीं है सिवाय इसके कि कॉमेडी मौजूदा चलन के हिसाब से लिखी गई है। बहुत अधिक तर्क और गुनाहों के साथ F3 में कुछ मनोरम कॉमेडी दृश्य के साथ एक सामान्य कहानी है। अनिल रविपुड़ी के हास्य लेखन कौशल को विशेष उल्लेख की आवश्यकता है। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर तो ये फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। वेंकटेश डग्गुबती और वरुण तेज की फिल्म फन एंड फ्रस्ट्रेशन 3 देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू और साथ ही जाने कहा देखे इसे फ्री में। हरिका और हनी द्वारा रची गई साजिशों के कारण लाखों रुपए खोने के बाद वेंकी और वरुण यादव गंभीर संकट में हैं। दीवार से धक्का देकर वेंकी और वरुण एक दूसरे की जानकारी के बिना एक अमीर आदमी को धोखा देने की कोशिश करते हैं। कम से कम ये जानते हैं कि चलाक बहने हरिका और हनी भी कार्रवाई में है। जब चारों पात्रों एक ही छत के नीचे आ जाते हैं तो ये अधिक मनोरंजन और हताशा का समय होता है। F3 F2 का सीक्वल नहीं है। वेंकी और वरुण यादव कोई सा भाई नहीं है। दोनों अविवाहित है। वेंकी जिसकी जैविक माँ अब नहीं रही अपनी सौतेली माँ पिता और बहनों वाले एक मांगलिक स्वार्थी परिवार का खामियाजा भुगतना पड़ता है। दूसरी ओर हरिका और हनी बहने बनी हुई है। उन्होंने एक छोटी सी कैंटीन की व्यवस्था कर ली है जो निवेश तो हड़प लेती है लेकिन कभी रिटर्न नहीं देती। ये किसी भी तरह से अमीर बनना चाहते हैं। निर्देशक अनिल रविपुड़ी पहले 30 से 40 मिनट कहानी को सेट करने में लगाते हैं। वो ये सुनिश्चित करता है कि हम उसके नायकों की सोच को आत्मसात कर ले। देजाबू की भावना के बावजूद कॉमेडी आपकी नसों पर हावी नहीं होती है। वरुण तेज सुनील की जोड़ी और महरीन के बीच कॉमेडी ट्रैक एक मूल विचार नहीं हो सकता है लेकिन कुछ पंक्तियां प्रफुल्लित करने वाली है। वेंकटेश और रघु बाबू के बीच F2 स्तर की केमिस्ट्री बनी हुई है। उनके दृश्य वास्तव में अच्छा काम करते हैं। हम अन्य प्रमुख पात्र की तुलना में रघु बाबू की उपस्थिति में वेंकटेश के प्रदर्शन का अधिक आनंद लेते हैं। कथानक में बदलाव के बावजूद दूसरा भाग अपेक्षाकृत धीमी गति से आगे बढ़ता है। मुरली शर्मा के किरदार को एक सार्थक भूमिका निभाने का मौका मिलता है। उनका किरदार भले ही नया ना हो लेकिन उनकी मौजूदगी कथानक की घटनाओं में फर्क लाती है। अगर
बेनेला किशोर अली सुनील और श्रीनिवास रेड्डी को दी आयामी किरदार निभाने को मिलते तो इससे काफी मदद मिलती। एक बिंदु के बाद अली को कोहनी मार दी जाती है, जबकि सुनील वेंगमत तक अभिव्यक्ति में सिमट जाते हैं। श्रीनिवास रेड्डी दूसरी भूमिका निभाते हैं, जबकि किशोर की क्षमता का बिल्कुल भी पता नहीं लगाया गया है। राजेंद्र प्रसाद एक ईमानदार पुलिस वाले की भूमिका निभाते हैं, जबकि संपत राज उनके बेईमान बॉस है। सोना चौहान को ज्यादा कुछ जोड़ने को नहीं मिलता है। देवी श्री प्रसाद का संगीत क्लिक करता है। मुख्य कलाकारों और पूजा हेगड़े द्वारा संचालित लाइव फंटे इटला अंदाला कोरियोग्राफी के मामले में सर्वश्रेष्ठ है। अन्य दो प्रमुख गीत क्लाइमैक्स खंड की तरह लगते हैं, जहां फिल्म की प्रकृति को हल्का करने के लिए कुछ तत्वों को जबरन लिखा जाता है। F3 F2 की तुलना में काम तारा केंद्रित है। अनिल रविपुड़िस के दृढ़ विश्वास की उस हद तक सराहना की जानी चाहिए। वो सिनेमाटोग्राफी और अन्य बेसखियों पर ज्यादा भरोसा नहीं करते। वो बात करने दौरान चीखने चिल्लाने के लिए कई पात्रों का परिचय देता है। प्रदर्शन एक आकर्षण है, विशेष रूप से वेंकटेश की कॉमेडी के क्षेत्र में वापसी के साथ। ऐसा लगता है कि वरुण तेज और महरीन की जगह कई किरदारों ने खा ली है। दूसरे भाग में तमन्ना का किरदार एक नया रंग दिखाता है। F3 एक देखने योग्य कॉमेडी है, जो अपने विलक्षण तत्वों को त्याग के साथ शामिल करती है। क्लाइमैक्स से पहले के हिस्से थोड़ी देर के लिए गंभीर हो जाते हैं। सक्षम प्रदर्शन और मजेदार परिस्थितियां चर्चा का विषय बनती है। वही अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। वेंकटेश, वरुण तेज और तमन्ना भाटिया की फिल्म F3 देखने से पहले यह जाने फिल्म के बारे में और साथ ही जाने कहां देखें इसे फ्री में। F2 समय समय पर उत्कृष्ट मनोरंजन करता बन गया। वेंकटेश और वरुण तेज ने अपने प्रदर्शन से सदन में धूम मचा दी और उन्हें पूरी टीम में सर्वश्रेष्ठ समर्थन मिला। इसे मनोरंजन से भरी फ्रेंचाइजी बनाते हुए टीम उसे और अधिक मजेदार बताते हुए F3 लेकर आए। अनिल रविपुड़ी F3 की पूरी टीम के साथ F3 के साथ दर्शकों का कई बार मनोरंजन करने के लिए आश्वस्त है। RTO कार्यालय में ब्रोकर विंग की मध्यम वर्गीय परेशानियों से जूझता है और शॉर्टकट तरीके से अमीर बनना चाहता है। वरुण एक छोटा मोटा धोखेबाज भी वेंकी की तरह अमीर बनने की तरीके खोजने की कोशिश करता है। हरिका और हनी परिवार से बड़े पैसे के लिए वेंकी और वरुण को फंसाया और ये सभी एक ही स्थिति में पहुंच गए, जहां उससे उबरने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत थी। अनजाने में उन सभी को आनंद प्रसाद को धोखा देकर तुरंत करोड़पति बनने का एक ही विचार मिलता है, जो अपने लापता बेटे की तलाश में है। क्या वो आनंद प्रसाद को झांसा देने में सक्षम थे? F3 की कहानी प्रश्न का उत्तर देती है। कॉमेडी में वेंकटेश की टाइमिंग और एक्सप्रेशन का एक अलग फैन बेस है। वेंकी ने अपने प्रदर्शन से पूरे शो को चुरा लिया है। वो सिर्फ हाव-भाव से नजरें अपनी ओर घुमा लेता है, भले ही उसी फ्रेम में 10 अन्य जाने माने कलाकार भी हो। F3 में भी वरुण तेज ने बेहतरीन काम किया है। युवा अभिनेता को हर बार हकलाना पड़ता है, हर बार वो जो नया अभिनय करता है वो हमेशा मजेदार होता है। वरुण और वेंकी की जोड़ी मजेदार है। तमन्ना और महरीन ने अपनी भूमिका निभाई है, लेकिन ये F2 की तरह उतनी ग्लैमरस नहीं दिखी और दूसरे हाफ में उनकी उपस्थिति कमजोर है। उनकी भूमिकाएं पहले भाग के बिस्तर की तरह है और ये वेंकी और वरुण तेज द्वारा स्क्रीन पर हावी हो जाती है। ये सुनील के लिए कमबैक रोल होगा और वो लंबे समय के बाद अपने विंटेज लुक और डायलॉग मॉड्यूलेशन में नजर आ रहे हैं। रघु बाबू, अली, वेनिला किशोर, राजेंद्र प्रसाद, प्रगति, मुरली शर्मा, सत्या और संपत राज ने अपने अपनी भूमिकाओं में अच्छा प्रदर्शन किया है। F3 की कहानी कोई नई कहानी नहीं है, सिवाय इसके कि कॉमेडी मौजूदा चलन के हिसाब से लिखी गई है।
बहुत अधिक तर्क और गुनाहों के साथ F3 में कुछ मनोरम कॉमेडी दृश्य के साथ एक सामान्य कहानी है। अनिल रविपोड़ी के हास्य लेखन कौशल को विशेष उल्लेख की आवश्यकता है। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो ये फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। वेंकटेश डग्गुबती और वरुण तेज की फिल्म फन एंड फ्रस्ट्रेशन 3 देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू और साथ ही जाने कहा देखे इसे फ्री में। हरिका और हनी द्वारा रची गई साजिशों के कारण लाखों रुपए खोने के बाद वेंकी और वरुण यादव गंभीर संकट में हैं। दीवार से धक्का देकर वेंकी और वरुण एक दूसरे की जानकारी के बिना एक अमीर आदमी को धोखा देने की कोशिश करते हैं। कम से कम ये जानते हैं कि चालाक बहने हरिका और हनी भी कार्रवाई में है। जब चारों पात्रों एक ही छत के नीचे आ जाते हैं तो ये अधिक मनोरंजन और हताशा का समय होता है। F3 F2 का सीक्वल नहीं है। वेंकी और वरुण यादव कोई साहभाई नहीं है। दोनों अविवाहित है। वेंकी, जिसकी जैविक माँ अब नहीं रही, अपनी सौतेली माँ पिता और बहनों वाले एक मांगलिक स्वार्थी परिवार का खामियाजा भुगतना पड़ता है। दूसरी ओर हरिका और हनी बहने बनी हुई है। उन्होंने एक छोटी सी कैंटीन की व्यवस्था कर ली है जो निवेश तो हड़प लेती है लेकिन कभी रिटर्न नहीं देती। ये किसी भी तरह से अमीर बनना चाहते हैं। निर्देशक अनिल रविपुड़ी पहले 30 से 40 मिनट कहानी को सेट करने में लगाते हैं। वो ये सुनिश्चित करता है कि हम उसके नायकों की सोच को आत्मसात कर ले। देजा भूख की भावना के बावजूद कॉमेडी आपकी नसों पर हावी नहीं होती है। वरुण तेज सुनील की जोड़ी और महरीन के बीच कॉमेडी ट्रैक एक मूल विचार नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ पंक्तियां प्रफुल्लित करने वाली है। वेंकटेश और रघुबाबू के बीच F2 स्तर की केमिस्ट्री बनी हुई है। उनके दृश्य वास्तव में अच्छा काम करते हैं। हम अन्य प्रमुख पात्र की तुलना में रघुबाबू की उपस्थिति में वेंकटेश के प्रदर्शन का अधिक आनंद लेते हैं। कथानक में बदलाव के बावजूद दूसरा भाग अपेक्षाकृत धीमी गति से आगे बढ़ता है। मुरली शर्मा के किरदार को एक सार्थक भूमिका निभाने का मौका मिलता है। उनका किरदार भले ही नया ना हो लेकिन उनकी मौजूदगी कथानक की घटनाओं में फर्क लाती है। अगर बेनेला किशोर अली सुनील और श्रीनिवास रेड्डी को दी आयामी किरदार निभाने को मिलते तो इससे काफी मदद मिलती। एक बिंदु के बाद अली को कोहनी मार दी जाती है जबकि सुनील वैंगमत तक अभिव्यक्ति में सिमट जाते हैं। श्रीनिवास रेड्डी दूसरी भूमिका निभाते हैं जबकि किशोर की क्षमता का बिल्कुल भी पता नहीं लगाया गया है। राजेंद्र प्रसाद एक ईमानदार पुलिस वाले की भूमिका निभाते हैं जबकि संपत राज उनके बेईमान बॉस है। सोना चौहान को ज्यादा कुछ जोड़ने को नहीं मिलता है। देवी श्री प्रसाद का संगीत क्लिक करता है। मुख्य कलाकारों और पूजा हेगड़े द्वारा संचालित लाइफ अंटे इटला अंदाला कोरियोग्राफी के मामले में सर्वश्रेष्ठ है। अन्य दो प्रमुख गीत क्लाइमैक्स खंड की तरह लगते हैं जहां फिल्म की प्रकृति को हल्का करने के लिए कुछ तत्वों को जबरन लिखा जाता है। F3 F2 की तुलना में काम तारा केंद्रित है। अनिल रविपुड़ी के दृढ़ विश्वास की उस हद तक सराहना की जानी चाहिए। वो सिनेमाटोग्राफी और अन्य बेसखियों पर ज्यादा भरोसा नहीं करते। वो बात करने दौराने चीखने चिल्लाने के लिए कई पात्रों का परिचय देता है। प्रदर्शन एक आकर्षण है, विशेष रूप से वेंकटेश की कॉमेडी के क्षेत्र में वापसी के साथ। ऐसा लगता है कि वरुण तेज और महरीन की जगह कई किरदारों ने खा ली है। दूसरे भाग में तमन्ना का किरदार एक नया रंग दिखाता है। F3 एक देखने योग्य कॉमेडी है जो अपने विलक्षण तत्वों को त्याग के साथ शामिल करती है। क्लाइमैक्स से पहले के हिस्से थोड़ी देर के लिए गंभीर हो जाते हैं। सक्षम प्रदर्शन और मजेदार परिस्थितियां चर्चा का विषय बनती है। वही अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है।
तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। वेंकटेश, वरुण तेज और तमन्ना भाटिया की फिल्म इफ 3 देखने से पहले यह जाने फिल्म के बारे में और साथ ही जाने कहां देखे इसे फ्री में। इफ 2 समय समय पर उत्कृष्ट मनोरंजनकर्ता बन गया। वेंकटेश और वरुण तेज ने अपने प्रदर्शन से सदन में धूम मचा दी और उन्हें पूरी टीम में सर्वश्रेष्ठ समर्थन मिला। इसे मनोरंजन से भरी फ्रेंचाइजी बनाते हुए टीम उसे और अधिक मजेदार बताते हुए इफ 3 लेकर आए। अनिल रविपुड़ी इफ 3 की पूरी टीम के साथ इफ 3 के साथ दर्शकों का कई बार मनोरंजन करने के लिए आश्वस्त है। आरटीओ कार्यालय में ब्रोकर विंग की मध्यम वर्गीय परेशानियों से जूझता है और शॉर्टकट तरीके से अमीर बनना चाहता है। वरुण एक छोटा मोटा धोखेबाज भी वेंकी की तरह अमीर बनने की तरीके खोजने की कोशिश करता है। हरिका और हनी परिवार से बड़े पैसे के लिए वेंकी और वरुण को फंसाया और ये सभी एक ही स्थिति में पहुंच गए जहां उससे उबरने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत थी। अनजाने में उन सभी को आनंद प्रसाद को धोखा देकर तुरंत करोड़पति बनने का एक ही विचार मिलता है जो अपने लापता बेटे की तलाश में है। क्या वो आनंद प्रसाद को झांसा देने में सक्षम थे? इफ 3 की कहानी प्रश्न का उत्तर देती है। कॉमेडी में वेंकटेश की टाइमिंग और एक्सप्रेशन का एक अलग फैन बेस है। वेंकी ने अपने प्रदर्शन से पूरे शो को चुरा लिया है। वो सिर्फ हाव-भाव से नजरें अपनी ओर घुमा लेता है भले ही उसी फ्रेम में 10 अन्य जाने माने कलाकार भी हो। इफ 3 में भी वरुण तेज ने बेहतरीन काम किया है। युवा अभिनेता को हर बार हकलाना पड़ता है। हर बार वो जो नया अभिनय करता है वो हमेशा मजेदार होता है। वरुण और वेंकी की जोड़ी मजेदार है। तमन्ना और महरीन ने अपनी भूमिका निभाई है लेकिन ये इफ 2 की तरह उतनी ग्लैमरस नहीं दिखी और दूसरे हाफ में उनकी उपस्थिति कमजोर है। उनकी भूमिकाएं पहले भाग के बिस्तर की तरह है और ये वेंकी और वरुण तेज द्वारा स्क्रीन पर हावी हो जाती है। ये सुनील के लिए कमबैक रोल होगा और वो लंबे समय के बाद अपने विंटेज लुक और डायलॉग मॉड्यूलेशन में नजर आ रहे हैं। रघु बाबू, अली, विनिल्ला किशोर, राजेंद्र प्रसाद, प्रगति, मुरली शर्मा, सत्या और संपत राज ने अपने अपनी भूमिकाओं में अच्छा प्रदर्शन किया है। इफ 3 की कहानी कोई नई कहानी नहीं है सिवाय इसके कि कॉमेडी मौजूदा चलन के हिसाब से लिखी गई है। बहुत अधिक तर्क और गुनाहों के साथ इफ 3 में कुछ मनोरम कॉमेडी दृश्य के साथ एक सामान्य कहानी है। अनिल रविपुड़ी के हास्य लेखन कौशल को विशेष उल्लेख की आवश्यकता है। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर तो ये फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। वेंकटेश डग्गुबती और वरुण तेज की फिल्म फन एंड फ्रस्ट्रेशन 3 देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू और साथ ही जाने कहा देखे इसे फ्री में। हरिका और हनी द्वारा रची गई साजिशों के कारण लाखों रुपए खोने के बाद वेंकी और वरुण यादव गंभीर संकट में हैं। दीवार से धक्का देकर वेंकी और वरुण एक दूसरे की जानकारी के बिना एक अमीर आदमी को धोखा देने की कोशिश करते हैं। कम से कम ये जानते हैं कि चालाक बहने हरिका और हनी भी कार्रवाई में है। जब चारों पात्रों एक ही छत के नीचे आ जाते हैं तो ये अधिक मनोरंजन और हताशा का समय होता है। इफ 3 इफ 2 का सीक्वल नहीं है। वेंकी और वरुण यादव कोई साहभाई नहीं है। दोनों अविवाहित है। वेंकी जिसकी जैविक माँ अब नहीं रही अपनी सौतेली माँ पिता और बहनों वाले एक मांगलिक स्वार्थी परिवार का खामियाजा भुगतना पड़ता है। दूसरी ओर हरिका और हनी बहने बनी हुई है। उन्होंने एक छोटी सी कैंटीन की व्यवस्था कर ली है जो निवेश तो हड़प लेती है लेकिन कभी रिटर्न नहीं देती। ये किसी भी तरह से अमीर बनना चाहते हैं। निर्देशक अनिल रविपुड़ी पहले 30 से 40 मिनट कहानी को सेट करने में लगाते हैं। वो ये सुनिश्चित करता है कि हम उसके नायकों की सोच को आत्मसात कर ले। डेजाबू की भावना के बावजूद कॉमेडी आपकी नसों पर हावी नहीं होती है।
वरुण तेज, सुनील की जोड़ी और महरीन के बीच कॉमेडी ट्रैक एक मूल विचार नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ पंक्तियां प्रफुल्लित करने वाली है। वेंकटेश और रघुबाबू के बीच एफ टू स्तर की केमिस्ट्री बनी हुई है। उनके दृश्य वास्तव में अच्छा काम करते हैं। हम अन्य प्रमुख पात्र की तुलना में रघुबाबू की उपस्थिति में वेंकटेश के प्रदर्शन का अधिक आनंद लेते हैं। कथानक में बदलाव के बावजूद दूसरा भाग अपेक्षाकृत धीमी गति से आगे बढ़ता है। मुरली शर्मा के किरदार को एक सार्थक भूमिका निभाने का मौका मिलता है। उनका किरदार भले ही नया ना हो, लेकिन उनकी मौजूदगी कथानक की घटनाओं में फर्क लाती है। अगर बेनेला किशोर अली, सुनील और श्रीनिवास रेड्डी को दी आयामी किरदार निभाने को मिलते तो इससे काफी मदद मिलती। एक बिंदु के बाद अली को कोहनी मार दी जाती है, जबकि सुनील वैंगमत तक अभिव्यक्ति में सिमट जाते हैं। श्रीनिवास रेड्डी दूसरी भूमिका निभाते हैं, जबकि किशोर की क्षमता का बिल्कुल भी पता नहीं लगाया गया है। राजेंद्र प्रसाद एक ईमानदार पुलिस वाले की भूमिका निभाते हैं, जबकि संपत राज उनके बेईमान बॉस है। सोना चौहान को ज्यादा कुछ जोड़ने को नहीं मिलता है। देवी श्री प्रसाद का संगीत क्लिक करता है। मुख्य कलाकारों और पूजा हेगड़े द्वारा संचालित लाइव फंटे इटला अंदाला कोरियोग्राफी के मामले में सर्वश्रेष्ठ है। अन्य दो प्रमुख गीत क्लाइमैक्स खंड की तरह लगते हैं, जहां फिल्म की प्रकृति को हल्का करने के लिए कुछ तत्वों को जबरन लिखा जाता है। F3 F2 की तुलना में काम तारा केंद्रित है। अनिल रविपुड़िस के दृढ़ विश्वास की उस हद तक सराहना की जानी चाहिए। वो सिनेमाटोग्राफी और अन्य बेसखियों पर ज्यादा भरोसा नहीं करते। वो बात करने दौराने चीखने चिल्लाने के लिए कई पात्रों का परिचय देता है। प्रदर्शन एक आकर्षण है, विशेष रूप से वेंकटेश की कॉमेडी के क्षेत्र में वापसी के साथ। ऐसा लगता है कि वरुण तेज और महरीन की जगह कई किरदारों ने खा ली है। दूसरे भाग में तमन्ना का किरदार एक नया रंग दिखाता है। F3 एक देखने योग्य कॉमेडी है, जो अपने विलक्षण तत्वों को त्याग के साथ शामिल करती है। क्लाइमैक्स से पहले के हिस्से थोड़ी देर के लिए गंभीर हो जाते हैं। सक्षम प्रदर्शन और मजेदार परिस्थितियां चर्चा का विषय बनती है। वही अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। वेंकटेश, वरुण तेज और तमन्ना भाटिया की फिल्म F3 देखने से पहले यह जाने फिल्म के बारे में और साथ ही जाने कहां देखे इसे फ्री में। F2 समय समय पर उत्कृष्ट मनोरंजन करता बन गया। वेंकटेश और वरुण तेज ने अपने प्रदर्शन से सदन में धूम मचा दी और उन्हें पूरी टीम में सर्वश्रेष्ठ समर्थन मिला। इसे मनोरंजन से भरी फ्रेंचाइजी बनाते हुए टीम उसे और अधिक मजेदार बताते हुए F3 लेकर आए। अनिल रविपुड़ी F3 की पूरी टीम के साथ F3 के साथ दर्शकों का कई बार मनोरंजन करने के लिए आश्वस्त है। RTO कार्यालय में ब्रोकर विंग की मध्यम वर्गीय परेशानियों से जूझता है और शॉर्टकट तरीके से अमीर बनना चाहता है। वरुण एक छोटा मोटा धोखेबाज भी वेंकी की तरह अमीर बनने की तरीके खोजने की कोशिश करता है। हरिका और हनी परिवार से बड़े पैसे के लिए वेंकी और वरुण को फंसाया और ये सभी एक ही स्थिति में पहुंच गए, जहां उससे उबरने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत थी। अनजाने में उन सभी को आनंद प्रसाद को धोखा देकर तुरंत करोड़पति बनने का एक ही विचार मिलता है, जो अपने लापता बेटे की तलाश में है। क्या वो आनंद प्रसाद को झांसा देने में सक्षम थे? F3 की कहानी प्रश्न का उत्तर देती है। कॉमेडी में वेंकटेश की टाइमिंग और एक्सप्रेशन का एक अलग फैन बेस है। वेंकी ने अपने प्रदर्शन से पूरे शो को चुरा लिया है। वो सिर्फ हाव भाव से नजरें अपनी ओर घुमा लेता है, भले ही उसी फ्रेम में 10 अन्य जाने माने कलाकार भी हो। F3 में भी वरुण तेज ने बेहतरीन काम किया है। युवा अभिनेता को हर बार हकलाना पड़ता है। हर बार वो जो नया अभिनय करता है वो हमेशा मजेदार होता है। वरुण और वेंकी की जोड़ी मजेदार है। तमन्ना और महरीन ने अपनी भूमिका निभाई है।
लेकिन ये इफ टू की तरह उतनी ग्लैमरस नहीं दिखी और दूसरे हाफ में उनकी उपस्थिति कमजोर है। उनकी भूमिकाएं पहले भाग के बिस्तर की तरह है और ये वेंकी और वरुण तेज द्वारा स्क्रीन पर हावी हो जाती है। ये सुनील के लिए कमबैक रोल होगा और वो लंबे समय के बाद अपने विंटेज लुक और डायलॉग मॉड्यूलेशन में नजर आ रहे हैं। रघु बाबू, अली, वेनिल्ला किशोर, राजेंद्र प्रसाद, प्रगति, मुरली शर्मा, सत्या और संपत राज ने अपने अपनी भूमिकाओं में अच्छा प्रदर्शन किया है। F3 की कहानी कोई नई कहानी नहीं है, सिवाय इसके कि कॉमेडी मौजूदा चलन के हिसाब से लिखी गई है। बहुत अधिक तर्क और गुनाहों के साथ F3 में कुछ मनोरम कॉमेडी दृश्य के साथ एक सामान्य कहानी है। अनिल रविपुड़ी के हास्य लेखन कौशल को विशेष उल्लेख की आवश्यकता है। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो ये फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। वेंकटेश डग्गुबती और वरुण तेज की फिल्म फन एंड फ्रस्ट्रेशन 3 देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू और साथ ही जाने कहा देखे इसे फ्री में। हरिका और हनी द्वारा रची गई साजिशों के कारण लाखों रुपए खोने के बाद वेंकी और वरुण यादव गंभीर संकट में हैं। दीवार से धक्का देकर वेंकी और वरुण एक दूसरे की जानकारी के बिना एक अमीर आदमी को धोखा देने की कोशिश करते हैं। कम से कम ये जानते हैं कि चालाक बहने हरिका और हनी भी कार्रवाई में है। जब चारों पात्रों एक ही छत के नीचे आ जाते हैं तो ये अधिक मनोरंजन और हताशा का समय होता है। F3 F2 का सीक्वल नहीं है। वेंकी और वरुण यादव कोई साह भाई नहीं है, दोनों अविवाहित है। वेंकी, जिसकी जैविक माँ अब नहीं रही, अपनी सौतेली माँ, पिता और बहनों वाले एक मांगलिक स्वार्थी परिवार का खामियाजा भुगतना पड़ता है। दूसरी ओर हरिका और हनी बहने बनी हुई है। उन्होंने एक छोटी सी कैंटीन की व्यवस्था कर ली है जो निवेश तो हड़प लेती है लेकिन कभी रिटर्न नहीं देती। ये किसी भी तरह से अमीर बनना चाहते हैं। निर्देशक अनिल रविपुड़ी पहले 30 से 40 मिनट कहानी को सेट करने में लगाते हैं। वो ये सुनिश्चित करता है कि हम उसके नायकों की सोच को आत्मसात कर ले। देजा भूख की भावना के बावजूद कॉमेडी आपकी नसों पर हावी नहीं होती है। वरुण तेज, सुनील की जोड़ी और महरीन के बीच कॉमेडी ट्रैक एक मूल विचार नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ पंक्तियां प्रफुल्लित करने वाली है। वेंकटेश और रघु बाबू के बीच F2 स्तर की केमिस्ट्री बनी हुई है। उनके दृश्य वास्तव में अच्छा काम करते हैं। हम अन्य प्रमुख पात्र की तुलना में रघु बाबू की उपस्थिति में वेंकटेश के प्रदर्शन का अधिक आनंद लेते हैं। कथानक में बदलाव के बावजूद दूसरा भाग अपेक्षाकृत धीमी गति से आगे बढ़ता है। मुरली शर्मा के किरदार को एक सार्थक भूमिका निभाने का मौका मिलता है। उनका किरदार भले ही नया ना हो लेकिन उनकी मौजूदगी कथानक की घटनाओं में फर्क लाती है। अगर बेनेला किशोर, अली, सुनील और श्रीनिवास रेड्डी को दी आयामी किरदार निभाने को मिलते तो इससे काफी मदद मिलती। एक बिंदु के बाद अली को कोहनी मार दी जाती है जबकि सुनील वैंगमत तक अभिव्यक्ति में सिमट जाते हैं। श्रीनिवास रेड्डी दूसरी भूमिका निभाते हैं जबकि किशोर की क्षमता का बिल्कुल भी पता नहीं लगाया गया है। राजेंद्र प्रसाद एक ईमानदार पुलिस वाले की भूमिका निभाते हैं जबकि संपत राज उनके बेईमान बॉस है। सोना चौहान को ज्यादा कुछ जोड़ने को नहीं मिलता है। देवी श्री प्रसाद का संगीत क्लिक करता है। मुख्य कलाकारों और पूजा हेगड़े द्वारा संचालित लाइव फंटे इटला अंदाला कोरियोग्राफी के मामले में सर्वश्रेष्ठ है। अन्य दो प्रमुख गीत क्लाइमैक्स खंड की तरह लगते हैं जहां फिल्म की प्रकृति को हल्का करने के लिए कुछ तत्वों को जबरन लिखा जाता है। F3 F2 की तुलना में काम तारा केंद्रित है। अनिल रविपुड़ी के दृढ़ विश्वास की उस हद तक सराहना की जानी चाहिए। वो सिनेमाटोग्राफी और अन्य बेसखियों पर ज्यादा भरोसा नहीं करते। वो बात करने दौरान चीखने चिल्लाने के लिए कई पात्रों का परिचय देता है।
प्रदर्शन एक आकर्षण है, विशेष रूप से वेंकटेश की कॉमेडी के क्षेत्र में वापसी के साथ। ऐसा लगता है कि वरुण तेज और महरीन की जगह कई किरदारों ने खा ली है। दूसरे भाग में तमन्ना का किरदार एक नया रंग दिखाता है। एफ थ्री एक देखने योग्य कॉमेडी है जो अपने विलक्षण तत्वों को त्याग के साथ शामिल करती है। क्लाइमैक्स से पहले के हिस्से थोड़ी देर के लिए गंभीर हो जाते हैं। सक्षम प्रदर्शन और मजेदार परिस्थितियां चर्चा का विषय बनती है। वही अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। वेंकटेश, वरुण तेज और तमन्ना भाटिया की फिल्म इफ थ्री देखने से पहले यह जाने फिल्म के बारे में और साथ ही जाने कहां देखे इसे फ्री में। इफ टू समय समय पर उत्कृष्ट मनोरंजन करता बन गया। वेंकटेश और वरुण तेज ने अपने प्रदर्शन से सदन में धूम मचा दी और उन्हें पूरी टीम में सर्वश्रेष्ठ समर्थन मिला। इसे मनोरंजन से भरी फ्रेंचाइजी बनाते हुए टीम उसे और अधिक मजेदार बताते हुए एफ थ्री लेकर आए। अनिल रविपुड़ी एफ थ्री की पूरी टीम के साथ एफ थ्री के साथ दर्शकों का कई बार मनोरंजन करने के लिए आश्वस्त है। आरटीओ कार्यालय में ब्रोकर विंग की मध्यम वर्गीय परेशानियों से जूझता है और शॉर्टकट तरीके से अमीर बनना चाहता है। वरुण एक छोटा मोटा धोखेबाज भी वेंकी की तरह अमीर बनने की तरीके खोजने की कोशिश करता है। हरिका और हनी परिवार से बड़े पैसे के लिए वेंकी और वरुण को फंसाया और ये सभी एक ही स्थिति में पहुंच गए जहां उससे उबरने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत थी। अनजाने में उन सभी को आनंद प्रसाद को धोखा देकर तुरंत करोड़पति बनने का एक ही विचार मिलता है जो अपने लापता बेटे की तलाश में है। क्या वो आनंद प्रसाद को झांसा देने में सक्षम थे? एफ थ्री की कहानी प्रश्न का उत्तर देती है। कॉमेडी में वेंकटेश की टाइमिंग और एक्सप्रेशन का एक अलग फैन बेस है। वेंकी ने अपने प्रदर्शन से पूरे शो को चुरा लिया है। वो सिर्फ हाव भाव से नजरें अपनी ओर घुमा लेता है, भले ही उसी फ्रेम में 10 अन्य जाने माने कलाकार भी हो। एफ थ्री में भी वरुण तेज ने बेहतरीन काम किया है। युवा अभिनेता को हर बार हकलाना पड़ता है, हर बार वो जो नया अभिनय करता है वो हमेशा मजेदार होता है। वरुण और वेंकी की जोड़ी मजेदार है। तमन्ना और महरीन ने अपनी भूमिका निभाई है लेकिन ये एफ टू की तरह उतनी ग्लैमरस नहीं दिखी और दूसरे हाफ में उनकी उपस्थिति कमजोर है। उनकी भूमिकाएं पहले भाग के बिस्तर की तरह है और ये वेंकी और वरुण तेज द्वारा स्क्रीन पर हावी हो जाती है। ये सुनील के लिए कमबैक रोल होगा और वो लंबे समय के बाद अपने विंटेज लुक और डायलॉग मॉड्यूलेशन में नजर आ रहे हैं। रघु बाबू, अली, विनिल्ला किशोर, राजेंद्र प्रसाद, प्रगति, मुरली शर्मा, सत्या और संपत राज ने अपने अपनी भूमिकाओं में अच्छा प्रदर्शन किया है। एफ थ्री की कहानी कोई नई कहानी नहीं है, सिवाय इसके कि कॉमेडी मौजूदा चलन के हिसाब से लिखी गई है। बहुत अधिक तर्क और गुनाहों के साथ एफ थ्री में कुछ मनोरम कॉमेडी दृश्य के साथ एक सामान्य कहानी है। अनिल रविपुड़ी के हास्य लेखन कौशल को विशेष उल्लेख की आवश्यकता है। अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो ये फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। वेंकटेश डग्गुबती और वरुण तेज की फिल्म फन एंड फ्रस्ट्रेशन 3 देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू और साथ ही जाने कहा देखे इसे फ्री में। हरिका और हनी द्वारा रची गई साजिशों के कारण लाखों रुपए खोने के बाद वेंकी और वरुण यादव गंभीर संकट में हैं। दीवार से धक्का देकर वेंकी और वरुण एक दूसरे की जानकारी के बिना एक अमीर आदमी को धोखा देने की कोशिश करते हैं। कम से कम ये जानते हैं कि चलाक बहनें हरिका और हनी भी कार्रवाई में हैं। जब चारों पात्रों एक ही छत के नीचे आ जाते हैं तो ये अधिक मनोरंजन और हताशा का समय होता है। एफ थ्री एफ टू का सीक्वल नहीं है। वेंकी और वरुण यादव कोई साहभाई नहीं है। दोनों अविवाहित है। वेंकी जिसकी जैविक माँ अब नहीं रही, अपनी सौतेली माँ, पिता और बहनों वाले एक मांगलिक स्वार्थी परिवार का खामियाजा भुगतना पड़ता है।
दूसरी ओर हरिका और हनी बहने बनी हुई है। उन्होंने एक छोटी सी कैंटीन की व्यवस्था कर ली है जो निवेश तो हड़प लेती है लेकिन कभी रिटर्न नहीं देती। ये किसी भी तरह से अमीर बनना चाहते हैं। निर्देशक अनिल रबिपूडी पहले 30 से 40 मिनट कहानी को सेट करने में लगाते हैं। वो ये सुनिश्चित करता है कि हम उसके नायकों की सोच को आत्मसात कर ले। डेजाबू की भावना के बावजूद कॉमेडी आपकी नसों पर हावी नहीं होती है। वरुण तेज सुनील की जोड़ी और महरीन के बीच कॉमेडी ट्रैक एक मूल विचार नहीं हो सकता है लेकिन कुछ पंक्तियां प्रफुल्लित करने वाली है। वेंकटेश और रघुबाबू के बीच F2 स्तर की केमिस्ट्री बनी हुई है। उनके दृश्य वास्तव में अच्छा काम करते हैं। हम अन्य प्रमुख पात्र की तुलना में रघुबाबू की उपस्थिति में वेंकटेश के प्रदर्शन का अधिक आनंद लेते हैं। कथानक में बदलाव के बावजूद दूसरा भाग अपेक्षाकृत धीमी गति से आगे बढ़ता है। मुरली शर्मा के किरदार को एक सार्थक भूमिका निभाने का मौका मिलता है। उनका किरदार भले ही नया ना हो लेकिन उनकी मौजूदगी कथानक की घटनाओं में फर्क लाती है। अगर बेनेला किशोर अली सुनील और श्रीनिवास रेड्डी को दी आयामी किरदार निभाने को मिलते तो इससे काफी मदद मिलती। एक बिंदु के बाद अली को कोहनी मार दी जाती है जबकि सुनील वैंगमत तक अभिव्यक्ति में सिमट जाते हैं। श्रीनिवास रेड्डी दूसरी भूमिका निभाते हैं जबकि किशोर की क्षमता का बिल्कुल भी पता नहीं लगाया गया है। राजेंद्र प्रसाद एक ईमानदार पुलिस वाले की भूमिका निभाते हैं जबकि संपत राज उनके बेईमान बॉस है। सोना चौहान को ज्यादा कुछ जोड़ने को नहीं मिलता है। देवी श्री प्रसाद का संगीत क्लिक करता है। मुख्य कलाकारों और पूजा हेगड़े द्वारा संचालित लाइव फंटे इटला अंदाला कोरियोग्राफी के मामले में सर्वश्रेष्ठ है। अन्य दो प्रमुख गीत क्लाइमैक्स खंड की तरह लगते हैं जहां फिल्म की प्रकृति को हल्का करने के लिए कुछ तत्वों को जबरन लिखा जाता है। F3 F2 की तुलना में काम तारा केंद्रित है। अनिल रबिपूडिस के दृढ़ विश्वास की उस हद तक सराहना की जानी चाहिए। वो सिनेमाटोग्राफी और अन्य बेसखियों पर ज्यादा भरोसा नहीं करते। वो बात करने दौराने चीखने चिल्लाने के लिए कई पात्रों का परिचय देता है। प्रदर्शन एक आकर्षण है विशेष रूप से वेंकटेश की कॉमेडी के क्षेत्र में वापसी के साथ। ऐसा लगता है कि वरुण तेज और महरीन की जगह कई किरदारों ने खा ली है। दूसरे भाग में तमन्ना का किरदार एक नया रंग दिखाता है। F3 एक देखने योग्य कॉमेडी है जो अपने विलक्षण तत्वों को त्याग के साथ शामिल करती है। क्लाइमैक्स से पहले के हिस्से थोड़ी देर के लिए गंभीर हो जाते हैं। सक्षम प्रदर्शन और मजेदार परिस्थितियां चर्चा का विषय बनती है। वही अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। वेंकटेश वरुण तेज और तमन्ना भाटिया की फिल्म F3 देखने से पहले यह जाने फिल्म के बारे में और साथ ही जाने कहां देखे इसे फ्री में। F2 समय समय पर उत्कृष्ट मनोरंजन करता बन गया। वेंकटेश और वरुण तेज ने अपने प्रदर्शन से सदन में धूम मचा दी और उन्हें पूरी टीम में सर्वश्रेष्ठ समर्थन मिला। इसे मनोरंजन से भरी फ्रेंचाइजी बनाते हुए टीम उसे और अधिक मजेदार बताते हुए F3 लेकर आए। अनिल रबिपूडी F3 की पूरी टीम के साथ F3 के साथ दर्शकों का कई बार मनोरंजन करने के लिए आश्वस्त है। RTO कार्यालय में ब्रोकर विंग की मध्यम वर्गीय परेशानियों से जूझता है और शॉर्टकट तरीके से अमीर बनना चाहता है। वरुण एक छोटा मोटा धोखेबाज भी वेंकी की तरह अमीर बनने की तरीके खोजने की कोशिश करता है। हरिका और हनी परिवार से बड़े पैसे के लिए वेंकी और वरुण को फंसाया और ये सभी एक ही स्थिति में पहुंच गए जहां उससे उबरने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत थी। अनजाने में उन सभी को आनंद प्रसाद को धोखा देकर तुरंत करोड़पति बनने का एक ही विचार मिलता है जो अपने लापता बेटे की तलाश में है। क्या वो आनंद प्रसाद को झांसा देने में सक्षम थे
इफ थ्री की कहानी प्रश्न का उत्तर देती है। कॉमेडी में वेंकटेश की टाइमिंग और एक्सप्रेशन का एक अलग फैन बेस है। वेंकी ने अपने प्रदर्शन से पूरे शो को चुरा लिया है। वो सिर्फ हाव भाव से नजरें अपनी ओर घुमा लेता है, भले ही उसी फ्रेम में 10 अन्य जाने माने कलाकार भी हो। एफ थ्री में भी वरुण तेज ने बेहतरीन काम किया है। युवा अभिनेता को हर बार हकलाना पड़ता है, हर बार वो जो नया अभिनय करता है वो हमेशा मजेदार होता है। वरुण और वेंकी की जोड़ी मजेदार है। तमन्ना और महरीन ने अपनी भूमिका निभाई है, लेकिन ये एफ टू की तरह उतनी ग्लैमरस नहीं दिखी और दूसरे हाफ में उनकी उपस्थिति कमजोर है। उनकी भूमिकाएं पहले भाग के बिस्तर की तरह है और ये वेंकी और वरुण तेज द्वारा स्क्रीन पर हावी हो जाती है। ये सुनील के लिए कमबैक रोल होगा और वो लंबे समय के बाद अपने विंटेज लुक और डायलॉग मॉड्यूलेशन में नजर आ रहे हैं। रघु बाबू, अली, वेनिल्ला किशोर, राजेंद्र प्रसाद, प्रगति, मुरली शर्मा, सत्या और संपत राज ने अपने अपनी भूमिकाओं में अच्छा प्रदर्शन किया है। एफ थ्री की कहानी कोई नई कहानी नहीं है, सिवाय इसके कि कॉमेडी मौजूदा चलन के हिसाब से लिखी गई है। बहुत अधिक तर्क और गुनाहों के साथ एफ थ्री में कुछ मनोरम कॉमेडी दृश्य के साथ एक सामान्य कहानी है। अनिल रविपुड़ी के हास्य लेखन कौशल को विशेष उल्लेख की आवश्यकता है। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो ये फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। वेंकटेश डग्गुबती और वरुण तेज की फिल्म फन एंड फ्रस्ट्रेशन 3 देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू और साथ ही जाने कहा देखे इसे फ्री में। हरिका और हनी द्वारा रची गई साजिशों के कारण लाखों रुपए खोने के बाद वेंकी और वरुण यादव गंभीर संकट में हैं। दीवार से धक्का देकर वेंकी और वरुण एक दूसरे की जानकारी के बिना एक अमीर आदमी को धोखा देने की कोशिश करते हैं। कम से कम ये जानते हैं कि चलाक बहने हरिका और हनी भी कार्रवाई में है। जब चारों पात्रों एक ही छत के नीचे आ जाते हैं तो ये अधिक मनोरंजन और हताशा का समय होता है। F3 F2 का सीक्वल नहीं है। वेंकी और वरुण यादव कोई सा भाई नहीं है, दोनों अविवाहित है। वेंकी जिसकी जैविक माँ अब नहीं रही, अपनी सौतेली माँ पिता और बहनों वाले एक मांगलिक स्वार्थी परिवार का खामियाजा भुगतना पड़ता है। दूसरी ओर हरिका और हनी बहने बनी हुई है। उन्होंने एक छोटी सी कैंटीन की व्यवस्था कर ली है जो निवेश तो हड़प लेती है लेकिन कभी रिटर्न नहीं देती। ये किसी भी तरह से अमीर बनना चाहते हैं। निर्देशक अनिल रविपुड़ी पहले 30 से 40 मिनट कहानी को सेट करने में लगाते हैं। वो ये सुनिश्चित करता है कि हम उसके नायकों की सोच को आत्मसात कर ले। देजाबू की भावना के बावजूद कॉमेडी आपकी नसों पर हावी नहीं होती है। वरुण तेज, सुनील की जोड़ी और महरीन के बीच कॉमेडी ट्रैक एक मूल विचार नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ पंक्तियां प्रफुल्लित करने वाली है। वेंकटेश और रघु बाबू के बीच F2 स्तर की केमिस्ट्री बनी हुई है। उनके दृश्य वास्तव में अच्छा काम करते हैं। हम अन्य प्रमुख पात्र की तुलना में रघु बाबू की उपस्थिति में वेंकटेश के प्रदर्शन का अधिक आनंद लेते हैं। कथानक में बदलाव के बावजूद दूसरा भाग अपेक्षाकृत धीमी गति से आगे बढ़ता है। मुरली शर्मा के किरदार को एक सार्थक भूमिका निभाने का मौका मिलता है। उनका किरदार भले ही नया ना हो लेकिन उनकी मौजूदगी कथानक की घटनाओं में फर्क लाती है। अगर बेनेला किशोर, अली, सुनील और श्रीनिवास रेड्डी को दी आयामी किरदार निभाने को मिलते तो इससे काफी मदद मिलती। एक बिंदु के बाद अली को कोहनी मार दी जाती है जबकि सुनील वैंगमत तक अभिव्यक्ति में सिमट जाते हैं। श्रीनिवास रेड्डी दूसरी भूमिका निभाते हैं जबकि किशोर की क्षमता का बिल्कुल भी पता नहीं लगाया गया है। राजेंद्र प्रसाद एक ईमानदार पुलिस वाले की भूमिका निभाते हैं जबकि संपत राज उनके बेईमान बॉस है। सोना चौहान को ज्यादा कुछ जोड़ने को नहीं मिलता है। देवी श्री प्रसाद का संगीत क्लिक करता है। मुख्य कलाकारों और पूजा हेगड़े द्वारा संचालित
लाइफ अंटे इटला अंदाला कोरियोग्राफी के मामले में सर्वश्रेष्ठ है। अन्य दो प्रमुख गीत क्लाइमैक्स खंड की तरह लगते हैं, जहां फिल्म की प्रकृति को हल्का करने के लिए कुछ तत्वों को जबरन लिखा जाता है। F3 F2 की तुलना में काम तारा केंद्रित है। अनिल रविपुड़िस के दृढ़ विश्वास की उस हद तक सराहना की जानी चाहिए। वो सिनेमाटोग्राफी और अन्य बेसखियों पर ज्यादा भरोसा नहीं करते। वो बात करने दौरान चीखने चिल्लाने के लिए कई पात्रों का परिचय देता है। प्रदर्शन एक आकर्षण है, विशेष रूप से वेंकटेश की कॉमेडी के क्षेत्र में वापसी के साथ। ऐसा लगता है कि वरुण तेज और महरीन की जगह कई किरदारों ने खा ली है। दूसरे भाग में तमन्ना का किरदार एक नया रंग दिखाता है। F3 एक देखने योग्य कॉमेडी है, जो अपने विलक्षण तत्वों को त्याग के साथ शामिल करती है। क्लाइमैक्स से पहले के हिस्से थोड़ी देर के लिए गंभीर हो जाते हैं। सक्षम प्रदर्शन और मजेदार परिस्थितियां चर्चा का विषय बनती है। वहीं अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। वेंकटेश, वरुण तेज और तमन्ना भाटिया की फिल्म F3 देखने से पहले यह जाने फिल्म के बारे में और साथ ही जाने कहां देखें इसे फ्री में। F2 समय समय पर उत्कृष्ट मनोरंजन करता बन गया। वेंकटेश और वरुण तेज ने अपने प्रदर्शन से सदन में धूम मचा दी और उन्हें पूरी टीम में सर्वश्रेष्ठ समर्थन मिला। इसे मनोरंजन से भरी फ्रेंचाइजी बनाते हुए टीम उसे और अधिक मजेदार बताते हुए F3 लेकर आए। अनिल रविपुड़ी F3 की पूरी टीम के साथ F3 के साथ दर्शकों का कई बार मनोरंजन करने के लिए आश्वस्त है। RTO कार्यालय में ब्रोकर विंग की मध्यम वर्गीय परेशानियों से जूझता है और शॉर्टकट तरीके से अमीर बनना चाहता है। वरुण एक छोटा मोटा धोखेबाज भी वेंकी की तरह अमीर बनने की तरीके खोजने की कोशिश करता है। हरिका और हनी परिवार से बड़े पैसे के लिए वेंकी और वरुण को फंसाया और ये सभी एक ही स्थिति में पहुंच गए, जहां उससे उबरने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत थी। अनजाने में उन सभी को आनंद प्रसाद को धोखा देकर तुरंत करोड़पति बनने का एक ही विचार मिलता है, जो अपने लापता बेटे की तलाश में है। क्या वो आनंद प्रसाद को झांसा देने में सक्षम थे? F3 की कहानी प्रश्न का उत्तर देती है। कॉमेडी में वेंकटेश की टाइमिंग और एक्सप्रेशन का एक अलग फैन बेस है। वेंकी ने अपने प्रदर्शन से पूरे शो को चुरा लिया है। वो सिर्फ हाव-भाव से नजरें अपनी ओर घुमा लेता है, भले ही उसी फ्रेम में 10 अन्य जाने माने कलाकार भी हो। F3 में भी वरुण तेज ने बेहतरीन काम किया है। युवा अभिनेता को हर बार हकलाना पड़ता है। हर बार वो जो नया अभिनय करता है वो हमेशा मजेदार होता है। वरुण और वेंकी की जोड़ी मजेदार है। तमन्ना और महरीन ने अपनी भूमिका निभाई है, लेकिन ये F2 की तरह उतनी ग्लैमरस नहीं दिखी और दूसरे हाफ में उनकी उपस्थिति कमजोर है। उनकी भूमिकाएं पहले भाग के बिस्तर की तरह है और ये वेंकी और वरुण तेज द्वारा स्क्रीन पर हावी हो जाती है। ये सुनील के लिए कमबैक रोल होगा और वो लंबे समय के बाद अपने विंटेज लुक और डायलॉग मॉड्यूलेशन में नजर आ रहे हैं। रघु बाबू, अली, वेनिल्ला किशोर, राजेंद्र प्रसाद, प्रगति, मुरली शर्मा, सत्या और संपत राज ने अपने अपनी भूमिकाओं में अच्छा प्रदर्शन किया है। F3 की कहानी कोई नई कहानी नहीं है, सिवाय इसके कि कॉमेडी मौजूदा चलन के हिसाब से लिखी गई है। बहुत अधिक तर्क और गुनाहों के साथ F3 में कुछ मनोरम कॉमेडी दृश्य के साथ एक सामान्य कहानी है। अनिल रविपुड़ी के हास्य लेखन कौशल को विशेष उल्लेख की आवश्यकता है। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो ये फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। वेंकटेश डग्गुबती और वरुण तेज की फिल्म फन एंड फ्रस्ट्रेशन 3 देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू और साथ ही जाने कहा देखे इसे फ्री में। हरिका और हनी द्वारा रची गई साजिशों के कारण लाखों रुपए खोने के बाद वेंकी और वरुण यादव गंभीर संकट में हैं।
दीवार से धक्का देकर वेंकी और वरुण एक दूसरे की जानकारी के बिना एक अमीर आदमी को धोखा देने की कोशिश करते हैं। कम से कम ये जानते हैं कि चालाक बहने हनी का हनी भी कार्रवाई में है। जब चारों पात्रों एक ही छत के नीचे आ जाते हैं तो ये अधिक मनोरंजन और हताशा का समय होता है। F3 F2 का सीक्वल नहीं है। वेंकी और वरुण यादव कोई सा भाई नहीं है। दोनों अविवाहित है। वेंकी जिसकी जैविक माँ अब नहीं रही, अपनी सौतेली माँ पिता और बहनों वाले एक मांगलिक स्वार्थी परिवार का खामियाजा भुगतना पड़ता है। दूसरी ओर हरिका और हनी बहने बनी हुई है। उन्होंने एक छोटी सी कैंटीन की व्यवस्था कर ली है जो निवेश तो हड़प लेती है लेकिन कभी रिटर्न नहीं देती। ये किसी भी तरह से अमीर बनना चाहते हैं। निर्देशक अनिल रबपूडी पहले 30 से 40 मिनट कहानी को सेट करने में लगाते हैं। वो ये सुनिश्चित करता है कि हम उसके नायकों की सोच को आत्मसात कर ले। देजा भूख की भावना के बावजूद कॉमेडी आपकी नसों पर हावी नहीं होती है। वरुण तेज सुनील की जोड़ी और महरीन के बीच कॉमेडी ट्रैक एक मूल विचार नहीं हो सकता है लेकिन कुछ पंक्तियां प्रफुल्लित करने वाली है। वेंकटेश और रघुबाबू के बीच F2 स्तर की केमिस्ट्री बनी हुई है। उनके दृश्य वास्तव में अच्छा काम करते हैं। हम अन्य प्रमुख पात्र की तुलना में रघुबाबू की उपस्थिति में वेंकटेश के प्रदर्शन का अधिक आनंद लेते हैं। कथानक में बदलाव के बावजूद दूसरा भाग अपेक्षाकृत धीमी गति से आगे बढ़ता है। मुरली शर्मा के किरदार को एक सार्थक भूमिका निभाने का मौका मिलता है। उनका किरदार भले ही नया ना हो लेकिन उनकी मौजूदगी कथानक की घटनाओं में फर्क लाती है। अगर बेनेला किशोर अली सुनील और श्रीनिवास रेड्डी को दी आयामी किरदार निभाने को मिलते तो इससे काफी मदद मिलती। एक बिंदु के बाद अली को कोहनी मार दी जाती है जबकि सुनील वैंगमत तक अभिव्यक्ति में सिमट जाते हैं। श्रीनिवास रेड्डी दूसरी भूमिका निभाते हैं जबकि किशोर की क्षमता का बिल्कुल भी पता नहीं लगाया गया है। राजेंद्र प्रसाद एक ईमानदार पुलिस वाले की भूमिका निभाते हैं जबकि संपत राज उनके बेईमान बॉस है। सोना चौहान को ज्यादा कुछ जोड़ने को नहीं मिलता है। देवी श्री प्रसाद का संगीत क्लिक करता है। मुख्य कलाकारों और पूजा हेगड़े द्वारा संचालित लाइव फंटे इटला अंदाला कोरियोग्राफी के मामले में सर्वश्रेष्ठ है। अन्य दो प्रमुख गीत क्लाइमैक्स खंड की तरह लगते हैं जहां फिल्म की प्रकृति को हल्का करने के लिए कुछ तत्वों को जबरन लिखा जाता है। F3 F2 की तुलना में काम तारा केंद्रित है। अनिल रबिपुड़ी के दृढ़ विश्वास की उस हद तक सराहना की जानी चाहिए। वो सिनेमाटोग्राफी और अन्य बेसखियों पर ज्यादा भरोसा नहीं करते। वो बात करने दौराने चीखने चिल्लाने के लिए कई पात्रों का परिचय देता है। प्रदर्शन एक आकर्षण है विशेष रूप से वेंकटेश की कॉमेडी के क्षेत्र में वापसी के साथ। ऐसा लगता है कि वरुण तेज और महरीन की जगह कई किरदारों ने खा ली है। दूसरे भाग में तमन्ना का किरदार एक नया रंग दिखाता है। F3 एक देखने योग्य कॉमेडी है जो अपने विलक्षण तत्वों को त्याग के साथ शामिल करती है। क्लाइमैक्स से पहले के हिस्से थोड़ी देर के लिए गंभीर हो जाते हैं। सक्षम प्रदर्शन और मजेदार परिस्थितियां चर्चा का विषय बनती है। वही अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। वेंकटेश वरुण तेज और तमन्ना भाटिया की फिल्म F3 देखने से पहले यह जाने फिल्म के बारे में और साथ ही जाने कहां देखे इसे फ्री में। F2 समय समय पर उत्कृष्ट मनोरंजन करता बन गया। वेंकटेश और वरुण तेज ने अपने प्रदर्शन से सदन में धूम मचा दी और उन्हें पूरी टीम में सर्वश्रेष्ठ समर्थन मिला। इसे मनोरंजन से भरी फ्रेंचाइजी बनाते हुए टीम उसे और अधिक मजेदार बताते हुए F3 लेकर आए। अनिल रबिपुड़ी F3 की पूरी टीम के साथ F3 के साथ दर्शकों का कई बार मनोरंजन करने के लिए आश्वस्त है। RTO कार्यालय में
ब्रोकर विंग की मध्यम वर्गीय परेशानियों से जूझता है और शॉर्टकट तरीके से अमीर बनना चाहता है, पर उन्हें छोटा मोटा धोखेबाज भी वेंकी की तरह अमीर बनने की तरीके खोजने की कोशिश करता है। हरिका और हनी परिवार से बड़े पैसे के लिए वेंकी और वरुण को फंसाया और ये सभी एक ही स्थिति में पहुंच गए जहां उससे उबरने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत थी। अनजाने में उन सभी को आनंद प्रसाद को धोखा देकर तुरंत करोड़पति बनने का एक ही विचार मिलता है जो अपने लापता बेटे की तलाश में है। क्या वो आनंद प्रसाद को झांसा देने में सक्षम थे? F3 की कहानी प्रश्न का उत्तर देती है। कॉमेडी में वेंकटेश की टाइमिंग और एक्सप्रेशन का एक अलग फैन बेस है। वेंकी ने अपने प्रदर्शन से पूरे शो को चुरा लिया है। वो सिर्फ हाव-भाव से नजरें अपनी ओर घुमा लेता है, भले ही उसी फ्रेम में 10 अन्य जाने माने कलाकार भी हो। F3 में भी वरुण तेज ने बेहतरीन काम किया है। युवा अभिनेता को हर बार हकलाना पड़ता है, हर बार वो जो नया अभिनय करता है वो हमेशा मजेदार होता है। वरुण और वेंकी की जोड़ी मजेदार है। तमन्ना और महरीन ने अपनी भूमिका निभाई है, लेकिन ये F2 की तरह उतनी ग्लैमरस नहीं दिखी और दूसरे हाफ में उनकी उपस्थिति कमजोर है। उनकी भूमिकाएं पहले भाग के बिस्तर की तरह है और ये वेंकी और वरुण तेज द्वारा स्क्रीन पर हावी हो जाती है। ये सुनील के लिए कमबैक रोल होगा और वो लंबे समय के बाद अपने विंटेज लुक और डायलॉग मॉड्यूलेशन में नजर आ रहे हैं। रघु बाबू, अली, विनिल्ला किशोर, राजेंद्र प्रसाद, प्रगति, मुरली शर्मा, सत्या और संपत राज ने अपने अपनी भूमिकाओं में अच्छा प्रदर्शन किया है। F3 की कहानी कोई नई कहानी नहीं है, सिवाय इसके कि कॉमेडी मौजूदा चलन के हिसाब से लिखी गई है। बहुत अधिक तर्क और गुनाहों के साथ F3 में कुछ मनोरम कॉमेडी दृश्य के साथ एक सामान्य कहानी है। अनिल रविपुड़ी के हास्य लेखन कौशल को विशेष उल्लेख की आवश्यकता है। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो ये फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। वेंकटेश डग्गुबती और वरुण तेज की फिल्म फन एंड फ्रस्ट्रेशन 3 देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू और साथ ही जाने कहा देखे इसे फ्री में। हरिका और हनी द्वारा रची गई साजिशों के कारण लाखों रुपए खोने के बाद वेंकी और वरुण यादव गंभीर संकट में हैं। दीवार से धक्का देकर वेंकी और वरुण एक दूसरे की जानकारी के बिना एक अमीर आदमी को धोखा देने की कोशिश करते हैं। कम से कम ये जानते हैं कि चालाक बहने हरिका और हनी भी कार्रवाई में है। जब चारों पात्रों एक ही छत के नीचे आ जाते हैं तो ये अधिक मनोरंजन और हताशा का समय होता है। F3 F2 का सीक्वल नहीं है। वेंकी और वरुण यादव कोई साहभाई नहीं है। दोनों अविवाहित है। वेंकी, जिसकी जैविक माँ अब नहीं रही, अपनी सौतेली माँ पिता और बहनों वाले एक मांगलिक स्वार्थी परिवार का खामियाजा भुगतना पड़ता है। दूसरी ओर हरिका और हनी बहने बनी हुई है। उन्होंने एक छोटी सी कैंटीन की व्यवस्था कर ली है जो निवेश तो हड़प लेती है लेकिन कभी रिटर्न नहीं देती। ये किसी भी तरह से अमीर बनना चाहते हैं। निर्देशक अनिल रविपुड़ी पहले 30 से 40 मिनट कहानी को सेट करने में लगाते हैं। वो ये सुनिश्चित करता है कि हम उसके नायकों की सोच को आत्मसात कर ले। डेजाबू की भावना के बावजूद कॉमेडी आपकी नसों पर हावी नहीं होती है। वरुण तेज, सुनील की जोड़ी और महरीन के बीच कॉमेडी ट्रैक एक मूल विचार नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ पंक्तियां प्रफुल्लित करने वाली है। वेंकटेश और रघु बाबू के बीच F2 स्तर की केमिस्ट्री बनी हुई है। उनके दृश्य वास्तव में अच्छा काम करते हैं। हम अन्य प्रमुख पात्र की तुलना में रघु बाबू की उपस्थिति में वेंकटेश के प्रदर्शन का अधिक आनंद लेते हैं। कथानक में बदलाव के बावजूद दूसरा भाग अपेक्षाकृत धीमी गति से आगे बढ़ता है। मुरली शर्मा के किरदार को एक सार्थक भूमिका निभाने का मौका मिलता है। उनका किरदार भले ही नया ना हो लेकिन उनकी मौजूदगी कथानक की घटनाओं में फर्क लाती है। अगर
बेनेला किशोर अली सुनील और श्रीनिवास रेड्डी को दी आयामी किरदार निभाने को मिलते तो इससे काफी मदद मिलती। एक बिंदु के बाद अली को कोहनी मार दी जाती है, जबकि सुनील वेंगमत तक अभिव्यक्ति में सिमट जाते हैं। श्रीनिवास रेड्डी दूसरी भूमिका निभाते हैं, जबकि किशोर की क्षमता का बिल्कुल भी पता नहीं लगाया गया है। राजेंद्र प्रसाद एक ईमानदार पुलिस वाले की भूमिका निभाते हैं, जबकि संपत राज उनके बेईमान बॉस है। सोना चौहान को ज्यादा कुछ जोड़ने को नहीं मिलता है। देवी श्री प्रसाद का संगीत क्लिक करता है। मुख्य कलाकारों और पूजा हेगड़े द्वारा संचालित लाइव फंटे इटला अंदाला कोरियोग्राफी के मामले में सर्वश्रेष्ठ है। अन्य दो प्रमुख गीत क्लाइमैक्स खंड की तरह लगते हैं, जहां फिल्म की प्रकृति को हल्का करने के लिए कुछ तत्वों को जबरन लिखा जाता है। F3 F2 की तुलना में काम तारा केंद्रित है। अनिल रविपुड़िस के दृढ़ विश्वास की उस हद तक सराहना की जानी चाहिए। वो सिनेमाटोग्राफी और अन्य बेसखियों पर ज्यादा भरोसा नहीं करते। वो बात करने दौरान चीखने चिल्लाने के लिए कई पात्रों का परिचय देता है। प्रदर्शन एक आकर्षण है, विशेष रूप से वेंकटेश की कॉमेडी के क्षेत्र में वापसी के साथ। ऐसा लगता है कि वरुण तेज और महरीन की जगह कई किरदारों ने खा ली है। दूसरे भाग में तमन्ना का किरदार एक नया रंग दिखाता है। F3 एक देखने योग्य कॉमेडी है, जो अपने विलक्षण तत्वों को त्याग के साथ शामिल करती है। क्लाइमैक्स से पहले के हिस्से थोड़ी देर के लिए गंभीर हो जाते हैं। सक्षम प्रदर्शन और मजेदार परिस्थितियां चर्चा का विषय बनती है। वहीं अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। वेंकटेश, वरुण तेज और तमन्ना भाटिया की फिल्म F3 देखने से पहले यह जाने फिल्म के बारे में और साथ ही जाने कहां देखे इसे फ्री में। F2 समय समय पर उत्कृष्ट मनोरंजनकर्ता बन गया। वेंकटेश और वरुण तेज ने अपने प्रदर्शन से सदन में धूम मचा दी और उन्हें पूरी टीम में सर्वश्रेष्ठ समर्थन मिला। इसे मनोरंजन से भरी फ्रेंचाइजी बनाते हुए टीम उसे और अधिक मजेदार बताते हुए F3 लेकर आए। अनिल रविपुड़ी F3 की पूरी टीम के साथ F3 के साथ दर्शकों का कई बार मनोरंजन करने के लिए आश्वस्त है। RTO कार्यालय में ब्रोकर विंग की मध्यम वर्गीय परेशानियों से जूझता है और शॉर्टकट तरीके से अमीर बनना चाहता है। वरुण एक छोटा मोटा धोखेबाज भी वेंकी की तरह अमीर बनने की तरीके खोजने की कोशिश करता है। हरिका और हनी परिवार से बड़े पैसे के लिए वेंकी और वरुण को फंसाया और ये सभी एक ही स्थिति में पहुंच गए, जहां उससे उबरने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत थी। अनजाने में उन सभी को आनंद प्रसाद को धोखा देकर तुरंत करोड़पति बनने का एक ही विचार मिलता है, जो अपने लापता बेटे की तलाश में है। क्या वो आनंद प्रसाद को झांसा देने में सक्षम थे? F3 की कहानी प्रश्न का उत्तर देती है। कॉमेडी में वेंकटेश की टाइमिंग और एक्सप्रेशन का एक अलग फैन बेस है। वेंकी ने अपने प्रदर्शन से पूरे शो को चुरा लिया है। वो सिर्फ हाव भाव से नजरें अपनी ओर घुमा लेता है, भले ही उसी फ्रेम में 10 अन्य जाने माने कलाकार भी हो। F3 में भी वरुण तेज ने बेहतरीन काम किया है। युवा अभिनेता को हर बार हकलाना पड़ता है, हर बार वो जो नया अभिनय करता है वो हमेशा मजेदार होता है। वरुण और वेंकी की जोड़ी मजेदार है। तमन्ना और महरीन ने अपनी भूमिका निभाई है, लेकिन ये F2 की तरह उतनी ग्लैमरस नहीं दिखी और दूसरे हाफ में उनकी उपस्थिति कमजोर है। उनकी भूमिकाएं पहले भाग के बिस्तर की तरह है और ये वेंकी और वरुण तेज द्वारा स्क्रीन पर हावी हो जाती है। ये सुनील के लिए कमबैक रोल होगा और वो लंबे समय के बाद अपने विंटेज लुक और डायलॉग मॉड्यूलेशन में नजर आ रहे हैं। रघु बाबू, अली, वेनिला किशोर, राजेंद्र प्रसाद, प्रगति, मुरली शर्मा, सत्या और संपत राज ने अपने अपनी भूमिकाओं में अच्छा प्रदर्शन किया है। F3 की कहानी कोई नई कहानी नहीं है, सिवाय इसके कि कॉमेडी मौजूदा चलन के हिसाब से लिखी गई है।
बहुत अधिक तर्क और गुनाहों के साथ F3 में कुछ मनोरम कॉमेडी दृश्य के साथ एक सामान्य कहानी है। अनिल रविपोड़ी के हास्य लेखन कौशल को विशेष उल्लेख की आवश्यकता है। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो ये फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। वेंकटेश डग्गुबती और वरुण तेज की फिल्म फन एंड फ्रस्ट्रेशन 3 देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू और साथ ही जाने कहा देखे इसे फ्री में। हरिका और हनी द्वारा रची गई साजिशों के कारण लाखों रुपए खोने के बाद वेंकी और वरुण यादव गंभीर संकट में हैं। दीवार से धक्का देकर वेंकी और वरुण एक दूसरे की जानकारी के बिना एक अमीर आदमी को धोखा देने की कोशिश करते हैं। कम से कम ये जानते हैं कि चालाक बहने हरिका और हनी भी कार्रवाई में है। जब चारों पात्रों एक ही छत के नीचे आ जाते हैं तो ये अधिक मनोरंजन और हताशा का समय होता है। F3 F2 का सीक्वल नहीं है। वेंकी और वरुण यादव कोई साहभाई नहीं है, दोनों अविवाहित है। वेंकी जिसकी जैविक माँ अब नहीं रही, अपनी सौतेली माँ पिता और बहनों वाले एक मांगलिक स्वार्थी परिवार का खामियाजा भुगतना पड़ता है। दूसरी ओर हरिका और हनी बहने बनी हुई है, उन्होंने एक छोटी सी कैंटीन की व्यवस्था कर ली है जो निवेश तो हड़प लेती है लेकिन कभी रिटर्न नहीं देती। ये किसी भी तरह से अमीर बनना चाहते हैं। निर्देशक अनिल रविपुड़ी पहले 30 से 40 मिनट कहानी को सेट करने में लगाते हैं। वो ये सुनिश्चित करता है कि हम उसके नायकों की सोच को आत्मसात कर ले। देजा भूख की भावना के बावजूद कॉमेडी आपकी नसों पर हावी नहीं होती है। वरुण तेज सुनील की जोड़ी और महरीन के बीच कॉमेडी ट्रैक एक मूल विचार नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ पंक्तियां प्रफुल्लित करने वाली है। वेंकटेश और रघुबाबू के बीच F2 स्तर की केमिस्ट्री बनी हुई है। उनके दृश्य वास्तव में अच्छा काम करते हैं। हम अन्य प्रमुख पात्र की तुलना में रघुबाबू की उपस्थिति में वेंकटेश के प्रदर्शन का अधिक आनंद लेते हैं। कथानक में बदलाव के बावजूद दूसरा भाग अपेक्षाकृत धीमी गति से आगे बढ़ता है। मुरली शर्मा के किरदार को एक सार्थक भूमिका निभाने का मौका मिलता है। उनका किरदार भले ही नया ना हो लेकिन उनकी मौजूदगी कथानक की घटनाओं में फर्क लाती है। अगर बेनीला किशोर अली सुनील और श्रीनिवास रेड्डी को दी आयामी किरदार निभाने को मिलते तो इससे काफी मदद मिलती। एक बिंदु के बाद अली को कोहनी मार दी जाती है जबकि सुनील वैंगमत तक अभिव्यक्ति में सिमट जाते हैं। श्रीनिवास रेड्डी दूसरी भूमिका निभाते हैं जबकि किशोर की क्षमता का बिल्कुल भी पता नहीं लगाया गया है। राजेंद्र प्रसाद एक ईमानदार पुलिस वाले की भूमिका निभाते हैं जबकि संपत राज उनके बेईमान बॉस है। सोना चौहान को ज्यादा कुछ जोड़ने को नहीं मिलता है। देवी श्री प्रसाद का संगीत क्लिक करता है। मुख्य कलाकारों और पूजा हेगड़े द्वारा संचालित लाइव फंटे इटला अंदाला कोरियोग्राफी के मामले में सर्वश्रेष्ठ है। अन्य दो प्रमुख गीत क्लाइमैक्स खंड की तरह लगते हैं जहां फिल्म की प्रकृति को हल्का करने के लिए कुछ तत्वों को जबरन लिखा जाता है। F3 F2 की तुलना में काम तारा केंद्रित है। अनिल रविपुड़ी के दृढ़ विश्वास की उस हद तक सराहना की जानी चाहिए। वो सिनेमाटोग्राफी और अन्य बेसखियों पर ज्यादा भरोसा नहीं करते। वो बात करने दौराने चीखने चिल्लाने के लिए कई पात्रों का परिचय देता है। प्रदर्शन एक आकर्षण है, विशेष रूप से वेंकटेश की कॉमेडी के क्षेत्र में वापसी के साथ। ऐसा लगता है कि वरुण तेज और महरीन की जगह कई किरदारों ने खा ली है। दूसरे भाग में तमन्ना का किरदार एक नया रंग दिखाता है। F3 एक देखने योग्य कॉमेडी है जो अपने विलक्षण तत्वों को त्याग के साथ शामिल करती है। क्लाइमैक्स से पहले के हिस्से थोड़ी देर के लिए गंभीर हो जाते हैं। सक्षम प्रदर्शन और मजेदार परिस्थितियां चर्चा का विषय बनती है। वही अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है।
तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। वेंकटेश, वरुण तेज और तमन्ना भाटिया की फिल्म इफ 3 देखने से पहले यह जाने फिल्म के बारे में और साथ ही जाने कहां देखे इसे फ्री में। इफ 2 समय समय पर उत्कृष्ट मनोरंजन करता बन गया। वेंकटेश और वरुण तेज ने अपने प्रदर्शन से सदन में धूम मचा दी और उन्हें पूरी टीम में सर्वश्रेष्ठ समर्थन मिला। इसे मनोरंजन से भरी फ्रेंचाइजी बनाते हुए टीम उसे और अधिक मजेदार बताते हुए एफ 3 लेकर आए। अनिल रविपुड़ी एफ 3 की पूरी टीम के साथ एफ 3 के साथ दर्शकों का कई बार मनोरंजन करने के लिए आश्वस्त है। आरटीओ कार्यालय में ब्रोकर विंग की मध्यम वर्गीय परेशानियों से जूझता है और शॉर्टकट तरीके से अमीर बनना चाहता है, पर उन्हें छोटा मोटा धोखेबाज भी वेंकी की तरह अमीर बनने की तरीके खोजने की कोशिश करता है। हरिका और हनी परिवार से बड़े पैसे के लिए वेंकी और वरुण को फंसाया और ये सभी एक ही स्थिति में पहुंच गए जहां उससे उबरने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत थी। अनजाने में उन सभी को आनंद प्रसाद को धोखा देकर तुरंत करोड़पति बनने का एक ही विचार मिलता है, जो अपने लापता बेटे की तलाश में है। क्या वो आनंद प्रसाद को झांसा देने में सक्षम थे? एफ 3 की कहानी प्रश्न का उत्तर देती है। कॉमेडी में वेंकटेश की टाइमिंग और एक्सप्रेशन का एक अलग फैन बेस है। वेंकी ने अपने प्रदर्शन से पूरे शो को चुरा लिया है। वो सिर्फ हाव-भाव से नजरें अपनी ओर घुमा लेता है, भले ही उसी फ्रेम में 10 अन्य जाने माने कलाकार भी हो। एफ 3 में भी वरुण तेज ने बेहतरीन काम किया है। युवा अभिनेता को हर बार हकलाना पड़ता है, हर बार वो जो नया अभिनय करता है वो हमेशा मजेदार होता है। वरुण और वेंकी की जोड़ी मजेदार है। तमन्ना और महरीन ने अपनी भूमिका निभाई है, लेकिन ये एफ 2 की तरह उतनी ग्लैमरस नहीं दिखी और दूसरे हाफ में उनकी उपस्थिति कमजोर है। उनकी भूमिकाएं पहले भाग के बिस्तर की तरह है और ये वेंकी और वरुण तेज द्वारा स्क्रीन पर हावी हो जाती है। ये सुनील के लिए कमबैक रोल होगा और वो लंबे समय के बाद अपने विंटेज लुक और डायलॉग मॉड्यूलेशन में नजर आ रहे हैं। रघु बाबू, अली, विनिला किशोर, राजेंद्र प्रसाद, प्रगति, मुरली शर्मा, सत्या और संपत राज ने अपने अपनी भूमिकाओं में अच्छा प्रदर्शन किया है। एफ 3 की कहानी कोई नई कहानी नहीं है, सिवाय इसके कि कॉमेडी मौजूदा चलन के हिसाब से लिखी गई है। बहुत अधिक तर्क और गुनाहों के साथ एफ 3 में कुछ मनोरम कॉमेडी दृश्य के साथ एक सामान्य कहानी है। अनिल रविपुड़ी के हास्य लेखन कौशल को विशेष उल्लेख की आवश्यकता है। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो ये फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। वेंकटेश डग्गुबती और वरुण तेज की फिल्म फन एंड फ्रस्ट्रेशन 3 देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू और साथ ही जाने कहा देखे इसे फ्री में। हरिका और हनी द्वारा रची गई साजिशों के कारण लाखों रुपए खोने के बाद वेंकी और वरुण यादव गंभीर संकट में हैं। दीवार से धक्का देकर वेंकी और वरुण एक दूसरे की जानकारी के बिना एक अमीर आदमी को धोखा देने की कोशिश करते हैं। कम से कम ये जानते हैं कि चालाक बहनें हरिका और हनी भी कार्रवाई में हैं। जब चारों पात्रों एक ही छत के नीचे आ जाते हैं तो ये अधिक मनोरंजन और हताशा का समय होता है। एफ 3 एफ 2 का सीक्वल नहीं है। वेंकी और वरुण यादव कोई सहभाई नहीं है। दोनों अविवाहित है। वेंकी, जिसकी जैविक माँ अब नहीं रही, अपनी सौतेली माँ, पिता और बहनों वाले एक मांगलिक स्वार्थी परिवार का खामियाजा भुगतना पड़ता है। दूसरी ओर हरिका और हनी बहने बनी हुई है। उन्होंने एक छोटी सी कैंटीन की व्यवस्था कर ली है जो निवेश तो हड़प लेती है लेकिन कभी रिटर्न नहीं देती। ये किसी भी तरह से अमीर बनना चाहते हैं। निर्देशक अनिल रविपुड़ी पहले 30 से 40 मिनट कहानी को सेट करने में लगाते हैं। वो ये सुनिश्चित करता है कि हम उसके नायकों की सोच को आत्मसात कर ले। देजा भूख की भावना के बावजूद कॉमेडी आपकी नसों पर हावी नहीं होती है।
वरुण तेज सुनील की जोड़ी और महरीन के बीच कॉमेडी ट्रैक एक मूल विचार नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ पंक्तियां प्रफुल्लित करने वाली है। वेंकटेश और रघुबाबू के बीच एफ टू स्तर की केमिस्ट्री बनी हुई है। उनके दृश्य वास्तव में अच्छा काम करते हैं। हम अन्य प्रमुख पात्र की तुलना में रघुबाबू की उपस्थिति में वेंकटेश के प्रदर्शन का अधिक आनंद लेते हैं। कथानक में बदलाव के बावजूद दूसरा भाग अपेक्षाकृत धीमी गति से आगे बढ़ता है। मुरली शर्मा के किरदार को एक सार्थक भूमिका निभाने का मौका मिलता है। उनका किरदार भले ही नया ना हो, लेकिन उनकी मौजूदगी कथानक की घटनाओं में फर्क लाती है। अगर बेनेला किशोर अली सुनील और श्रीनिवास रेड्डी को दी आयामी किरदार निभाने को मिलते तो इससे काफी मदद मिलती। एक बिंदु के बाद अली को कोहनी मार दी जाती है, जबकि सुनील वैंगा मत तक अभिव्यक्ति में सिमट जाते हैं। श्रीनिवास रेड्डी दूसरी भूमिका निभाते हैं, जबकि किशोर की क्षमता का बिल्कुल भी पता नहीं लगाया गया है। राजेंद्र प्रसाद एक ईमानदार पुलिस वाले की भूमिका निभाते हैं, जबकि संपत राज उनके बेईमान बॉस है। सोना चौहान को ज्यादा कुछ जोड़ने को नहीं मिलता है। देवी श्री प्रसाद का संगीत क्लिक करता है। मुख्य कलाकारों और पूजा हेगड़े द्वारा संचालित लाइव फंटे इटला अंदाला कोरियोग्राफी के मामले में सर्वश्रेष्ठ है। अन्य दो प्रमुख गीत क्लाइमैक्स खंड की तरह लगते हैं, जहां फिल्म की प्रकृति को हल्का करने के लिए कुछ तत्वों को जबरन लिखा जाता है। F3 F2 की तुलना में काम तारा केंद्रित है। अनिल रविपुड़िस के दृढ़ विश्वास की उस हद तक सराहना की जानी चाहिए। वो सिनेमाटोग्राफी और अन्य बेसखियों पर ज्यादा भरोसा नहीं करते। वो बात करने दौराने चीखने चिल्लाने के लिए कई पात्रों का परिचय देता है। प्रदर्शन एक आकर्षण है, विशेष रूप से वेंकटेश की कॉमेडी के क्षेत्र में वापसी के साथ। ऐसा लगता है कि वरुण तेज और महरीन की जगह कई किरदारों ने खा ली है। दूसरे भाग में तमन्ना का किरदार एक नया रंग दिखाता है। F3 एक देखने योग्य कॉमेडी है, जो अपने विलक्षण तत्वों को त्याग के साथ शामिल करती है। क्लाइमैक्स से पहले के हिस्से थोड़ी देर के लिए गंभीर हो जाते हैं। सक्षम प्रदर्शन और मजेदार परिस्थितियां चर्चा का विषय बनती है। वही अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। वेंकटेश वरुण तेज और तमन्ना भाटिया की फिल्म F3 देखने से पहले यह जाने फिल्म के बारे में और साथ ही जाने कहां देखे इसे फ्री में। F2 समय समय पर उत्कृष्ट मनोरंजन करता बन गया। वेंकटेश और वरुण तेज ने अपने प्रदर्शन से सदन में धूम मचा दी और उन्हें पूरी टीम में सर्वश्रेष्ठ समर्थन मिला। इसे मनोरंजन से भरी फ्रेंचाइजी बनाते हुए टीम उसे और अधिक मजेदार बताते हुए F3 लेकर आए। अनिल रविपुड़ी F3 की पूरी टीम के साथ F3 के साथ दर्शकों का कई बार मनोरंजन करने के लिए आश्वस्त है। RTO कार्यालय में ब्रोकर विंग की मध्यम वर्गीय परेशानियों से जूझता है और शॉर्टकट तरीके से अमीर बनना चाहता है। वरुण एक छोटा मोटा धोखेबाज भी वेंकी की तरह अमीर बनने की तरीके खोजने की कोशिश करता है। हरिका और हनी परिवार से बड़े पैसे के लिए वेंकी और वरुण को फंसाया और ये सभी एक ही स्थिति में पहुंच गए, जहां उससे उबरने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत थी। अनजाने में उन सभी को आनंद प्रसाद को धोखा देकर तुरंत करोड़पति बनने का एक ही विचार मिलता है, जो अपने लापता बेटे की तलाश में है। क्या वो आनंद प्रसाद को झांसा देने में सक्षम थे? F3 की कहानी प्रश्न का उत्तर देती है। कॉमेडी में वेंकटेश की टाइमिंग और एक्सप्रेशन का एक अलग फैन बेस है। वेंकी ने अपने प्रदर्शन से पूरे शो को चुरा लिया है। वो सिर्फ हाव भाव से नजरें अपनी ओर घुमा लेता है, भले ही उसी फ्रेम में 10 अन्य जाने माने कलाकार भी हो। F3 में भी वरुण तेज ने बेहतरीन काम किया है। युवा अभिनेता को हर बार हकलाना पड़ता है। हर बार वो जो नया अभिनय करता है वो हमेशा मजेदार होता है। वरुण और वेंकी की जोड़ी मजेदार है। तमन्ना और महरीन ने अपनी भूमिका निभाई है।
लेकिन ये इफ टू की तरह उतनी ग्लैमरस नहीं दिखी और दूसरे हाफ में उनकी उपस्थिति कमजोर है। उनकी भूमिकाएं पहले भाग के बिस्तर की तरह है और ये वेंकी और वरुण तेज द्वारा स्क्रीन पर हावी हो जाती है। ये सुनील के लिए कमबैक रोल होगा और वो लंबे समय के बाद अपने विंटेज लुक और डायलॉग मॉड्यूलेशन में नजर आ रहे हैं। रघु बाबू, अली, वेनिल्ला किशोर, राजेंद्र प्रसाद, प्रगति, मुरली शर्मा, सत्या और संपत राज ने अपने अपनी भूमिकाओं में अच्छा प्रदर्शन किया है। F3 की कहानी कोई नई कहानी नहीं है, सिवाय इसके की कॉमेडी मौजूदा चलन के हिसाब से लिखी गई है। बहुत अधिक तर्क और गुनाहों के साथ F3 में कुछ मनोरम कॉमेडी दृश्य के साथ एक सामान्य कहानी है। अनिल रविपुड़ी के हास्य लेखन कौशल को विशेष उल्लेख की आवश्यकता है। अब बात करें इस फिल्म की OTT रिलीज को लेकर, तो ये फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है। वेंकटेश डग्गुबती और वरुण तेज की फिल्म फन एंड फ्रस्ट्रेशन 3 देखने से पहले यहाँ जाने फिल्म का रिव्यू और साथ ही जाने कहा देखे इसे फ्री में। हरिका और हनी द्वारा रची गई साजिशों के कारण लाखों रुपए खोने के बाद वेंकी और वरुण यादव गंभीर संकट में हैं। दीवार से धक्का देकर वेंकी और वरुण एक दूसरे की जानकारी के बिना एक अमीर आदमी को धोखा देने की कोशिश करते हैं। कम से कम ये जानते हैं कि चालाक बहने हरिका और हनी भी कार्रवाई में है। जब चारों पात्रों एक ही छत के नीचे आ जाते हैं तो ये अधिक मनोरंजन और हताशा का समय होता है। F3 F2 का सीक्वल नहीं है। वेंकी और वरुण यादव कोई सा भाई नहीं है, दोनों अविवाहित है। वेंकी, जिसकी जैविक माँ अब नहीं रही, अपनी सौतेली माँ पिता और बहनों वाले एक मांगलिक स्वार्थी परिवार का खामियाजा भुगतना पड़ता है। दूसरी ओर हरिका और हनी बहने बनी हुई है। उन्होंने एक छोटी सी कैंटीन की व्यवस्था कर ली है जो निवेश तो हड़प लेती है लेकिन कभी रिटर्न नहीं देती। ये किसी भी तरह से अमीर बनना चाहते हैं। निर्देशक अनिल रविपुड़ी पहले 30 से 40 मिनट कहानी को सेट करने में लगाते हैं। वो ये सुनिश्चित करता है कि हम उसके नायकों की सोच को आत्मसात कर ले। देजाबू की भावना के बावजूद कॉमेडी आपकी नसों पर हावी नहीं होती है। वरुण तेज, सुनील की जोड़ी और महरीन के बीच कॉमेडी ट्रैक एक मूल विचार नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ पंक्तियां प्रफुल्लित करने वाली है। वेंकटेश और रघु बाबू के बीच F2 स्तर की केमिस्ट्री बनी हुई है। उनके दृश्य वास्तव में अच्छा काम करते हैं। हम अन्य प्रमुख पात्र की तुलना में रघु बाबू की उपस्थिति में वेंकटेश के प्रदर्शन का अधिक आनंद लेते हैं। कथानक में बदलाव के बावजूद दूसरा भाग अपेक्षाकृत धीमी गति से आगे बढ़ता है। मुरली शर्मा के किरदार को एक सार्थक भूमिका निभाने का मौका मिलता है। उनका किरदार भले ही नया ना हो लेकिन उनकी मौजूदगी कथानक की घटनाओं में फर्क लाती है। अगर बेनेला किशोर, अली, सुनील और श्रीनिवास रेड्डी को दी आयामी किरदार निभाने को मिलते तो इससे काफी मदद मिलती। एक बिंदु के बाद अली को कोहनी मार दी जाती है जबकि सुनील वैंगमत तक अभिव्यक्ति में सिमट जाते हैं। श्रीनिवास रेड्डी दूसरी भूमिका निभाते हैं जबकि किशोर की क्षमता का बिल्कुल भी पता नहीं लगाया गया है। राजेंद्र प्रसाद एक ईमानदार पुलिस वाले की भूमिका निभाते हैं जबकि संपत राज उनके बेईमान बॉस है। सोना चौहान को ज्यादा कुछ जोड़ने को नहीं मिलता है। देवी श्री प्रसाद का संगीत क्लिक करता है। मुख्य कलाकारों और पूजा हेगड़े द्वारा संचालित लाइव फंटे इटला अंदाला कोरियोग्राफी के मामले में सर्वश्रेष्ठ है। अन्य दो प्रमुख गीत क्लाइमैक्स खंड की तरह लगते हैं जहां फिल्म की प्रकृति को हल्का करने के लिए कुछ तत्वों को जबरन लिखा जाता है। F3 F2 की तुलना में काम तारा केंद्रित है। अनिल रविपुड़ी के दृढ़ विश्वास की उस हद तक सराहना की जानी चाहिए। वो सिनेमाटोग्राफी और अन्य बेसखियों पर ज्यादा भरोसा नहीं करते। वो बात करने दौराने चीखने चिल्लाने के लिए कई पात्रों का परिचय देता है।
प्रदर्शन एक आकर्षण है, विशेष रूप से वेंकटेश की कॉमेडी के क्षेत्र में वापसी के साथ। ऐसा लगता है कि वरुण तेज और महरीन की जगह कई किरदारों ने खा ली है। दूसरे भाग में तमन्ना का किरदार एक नया रंग दिखाता है। एफ थ्री एक देखने योग्य कॉमेडी है जो अपने विलक्षण तत्वों को त्याग के साथ शामिल करती है। क्लाइमैक्स से पहले के हिस्से थोड़ी देर के लिए गंभीर हो जाते हैं। सक्षम प्रदर्शन और मजेदार परिस्थितियां चर्चा का विषय बनती है। वहीं अब बात करें इस फिल्म की ओटीटी रिलीज को लेकर, तो इस फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। तो अगर आप इसे फ्री में देखना चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स पर फ्री में देख सकते हैं, अगर आपके पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है।